ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जब हम लोग बॉस के घर पर उसकी गाड़ी डिलीवर करने गए थे, तो हमें पता चला कि यहाँ पर लॉस गैंग के बंदों ने बहुत खतरनाक अटैक करा है और उसके जितने भी बॉडी गार्ड थे ना भाई, सबको मार दिया। और साथ ही उसका जो मॉन्स्टर ट्रक था भाई, वो भी चुरा कर ले गए थे, क्योंकि यार बॉस ना एक बहुत ही बड़ा रेसर है और उसका एक रेसिंग टूर्नामेंट भी था उस दिन। तो हमने क्या करा, लॉस गैंग के अड्डे में वापस गए, मॉन्स्टर ट्रक उनको छीना और साथ ही उनके जितने बंदे थे उनको भी डाला। और उसके लिए हमने वही वाली रेस खेली, क्योंकि उसके तो हाथ पैर तोड़ दिए थे उन लोगों ने, तो बॉस रेस खेलने लायक नहीं बचा था। और उसके लिए वो रेस खेल के हमने 25 मिलियन डॉलर जीते, साथ में एक बहुत बड़ी गोल्डन ट्रॉफी भी जीती। और वो गोल्डन ट्रॉफी लेकर मैं निकल गया सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस के लिए। और वहां पर जाकर मुझे पता चला कि आज लेस्टर की ना किसी बहुत ही बड़े माफिया के साथ मीटिंग है एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो हम लोग फटाफट से ब्लैक कलर के कोट पैंट पहनकर अपनी गोल्ड लिमोजिन लेकर वहां के लिए निकल गए, और हम तीनों एज अ बॉडीगार्ड गए थे लेस्टर के। तो जैसे हम लोग वहां पर पहुंचे, वहां पर जाकर चला भैया ये तो डगन बॉस है। अब यार देखो, अपनी ऑलरेडी डगन बॉस से फाइट चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और जैसे हम लोगों ने उससे बात करी, उसने ना एक पोर्टेबल टीवी मंगाया और उसके अंदर एक क्लिप चलाई, और उस क्लिप के अंदर हमारी वो सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड थी जिस टाइम पर हम लोग अंडर वाटर माफिया के साथ थे। तो यार देखो, मुझे लग ही रहा था कि यहाँ पर अभी कोई ना कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, और वो हो भी गई। फिलहाल अभी ना मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि उसने हमें ये बोला कि अगर तुम चाहते हो कि एक क्लिप में मिलिट्री कर्नल को ना भेजूं, तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और वो जो काम है उसने सिर्फ और सिर्फ ना लेस्टर को ही बताया है। अब लेस्टर जो है हमें बताने का नाम ही नहीं ले रहा है, और लेस्टर कह रहा है मैं ये काम लेकिन करना भी नहीं है। पता नहीं यार क्या सीन है, मुझे भी नहीं मालूम, और लेस्टर बताने का भी नाम नहीं ले रहा है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं निकल लेता हूं सीधा अपने शोरूम के लिए, क्योंकि यार जब तक लेस्टर कुछ बताएगा नहीं, तब तक हम लोग कुछ कर नहीं सकते प्लान को लेकर। बाकी एक सेकंड, इतने सारे डगन गैंग के बंदे कहां से आ गए अपने घर में झटके से भाई? अभी तक तो फिलहाल कोई भी नहीं था। बाकी सारे के सारे ना यहां पर पूरी की पूरी माइकल की फैमिली को कहां पर लेकर जा रहे हो? एक मिनट रुक जाओ भाई, पहले यहां पर मैं नहीं निकाल रहा वेपन से यार, ये कितने सारे बंदे हैं, सबके सपने मेरे ऊपर एम कर रखा है। बाकी यार इधर तो यहाँ पर फ्रैंकलिन की आंटी और ट्रेवर की मोम को भी किडनैप कर ले जा रहे हैं। मेरे को पता है क्या लग रहा है, इस टाइम ना डगन बॉस सबकी फैमिली को किडनैप कर ले जाना चाह रहा है। बट यार ऐसा नहीं होने दूंगा भाई, एक सेकंड यार, एक तो ना लेस्टर 9 लोग को मुझे मारने दे रहा है। लेस्टर ने साफ बोला कि डगन बॉस के ऊपर अटैक मत करना, वरना वो सीधी सी क्लिप्स जो है सीधा उन्हें भेज देगा। बाकी एक सेकंड यार, डगन बॉस खुद नहीं आया क्या? उसने बस अपने गैंग के बंदों को भेजा है। बाकी यार एक सेकंड, पहले इनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे यार। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन लोग से बात हो गई है, और गाइस यार ये लोग कह रहे हैं कि बस तुम हमारे बॉस का दिया हुआ काम करो, हम लोग जितनी तमीज से तुम्हारी सबकी फैमिलीज को लेकर जा रहे हैं ना, उतनी ही तमीज से वापस भी छोड़ने आएंगे अगर वो काम हो जाता है तो, अदरवाइज समझ जाना कि इनके साथ क्या ही होने वाला है। बाकी यार देखो, डगन बॉस के लिए मैं काम करने के लिए तो राजी हूं, बट आखिरकार काम करना क्या है वो हम सबको पता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लेस्टर को पता है, और लेस्टर जो हमें बताने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो भी पता नहीं किस लिए। बाकी अभी ना फिलहाल सबसे पहले मैं जाने वाला हूं सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस में, और वहां पर जाकर बस मैं उससे एक ही बार में पूछूंगा कि आखिरकार डगन बॉस के लिए क्या काम करना है बता, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि इसके लिए काम हमें करना है, क्योंकि यार इस टाइम पर हम लोग डगन बॉस के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते। अगर मान लो उसको मार भी देते हैं, तो सीधी सी बात है वो जो क्लिप है उसके बॉडीगार्ड वगैरह मिलिट्री कर्नल को भेज देंगे, फिर अपना ही जीना यहां पर इस शहर में खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ना अभी जल्दी से चलता है लेस्टर के पास, और अगर अभी लेस्टर ने वो चीज हमें नहीं बताई ना, तो सीधी सी बात है मैं लेस्टर का मुंह तोड़ डालूंगा भाई, आज आज ही नहीं देखना, क्योंकि यार ये कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया। लेस्टर की तो कोई फैमिली वगैरह है नहीं, इसलिए वो इस चीज को बिल्कुल नहीं सीरियस ले रहा। बाकी अब जाओगे की शक्ल ही देखते रहोगे। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये सारे के सारे गाड़ियों पर अपनी बैठ चुके हैं। बाकी यार कितना ज्यादा अजीब सा लग रहा है कि कुछ गैंग के बंदे आए और अपनी फैमिलीज को अपनी आंखों के आगे किडनैप कर ले गए। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, बदला लूंगा, बट अभी ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि अगर अभी बदला लिया तो हमारा शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा, और अब तो पूरी की पूरी फैमिली भी खतरे में है। फिलहाल ये सारे के सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, मुझे नहीं पता ये इन्हें कहाँ पर लेकर जाएंगे। बाकी मेरे को इतना ही पता है कि ये डगन गैंग के पास ही ले जाएंगे, मतलब डगन का जो बॉस है इनका, उसी के पास ले जाएंगे। बाकी अभी फिलहाल सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास, अपनी गोल्ड लिमो एक काम करता हूँ घर में खड़ी रहने देता हूँ, और घर भी अब पूरा का पूरा खाली है भाई, क्या ही करें। अच्छी बात तो ये है कि यार आज अपना गार्डनर घर पर नहीं था, वरना उसको भी किडनैप करके ले जाते, क्या पता। बाकी बेकार बात यह है कि आज जिमी जो है शोरूम नहीं गया, और बेचारे को ये लोग किडनैप करके ले गए, अगर वो शोरूम में होता तो हो सकता था कि वो बचाता। बाकी एक सेकंड, ओ भाई 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 जल्दी जल्दी एक फटाफट से गाड़ी दे, अभी बहुत ज्यादा मत्था खराब है, अगर बदतमीजी हल्की सी भी करी ना बहुत बुरी तरह मारूंगा। तो गाइस मैंने बहुत से गलत सीन देखा है, लेकिन इतना ज्यादा गलत सीन अपनी आंखों के सामने होता हुआ मैंने पहली बार देखा है। इस चीज का जो बदला है ना, मैं डगन बॉस से बहुत ही खतरनाक तरीके से लूंगा, बट अभी फिलहाल सिचुएशन उसके हाथ में है, हम लोग कुछ भी करते हैं भाई वो हमें फंसा देगा मिलिट्री कर्नल से। बाकी भी सबसे पहले तो जाऊंगा लेस्टर के पास, उसका मुंह तोड़ के पूछना पड़ेगा आखिरकार प्लान है क्या, मतलब क्या आज लेस्टर ने हमें इतनी बुरी तरह फंसवा दिया भाई, मैं क्या बोलूं। बाकी भी चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पर पहुंचने वाला हूं। बस मुझे आगे वाली कट से अपनी गाड़ी को यहां पर लेफ्ट लेना है, और अभी फटाफट से इस जगह के अंदर लेकर चलना है।
है। बाकी यार अभी पता नहीं ऐसा क्या सीन है जो कि लेस्टर में प्लान बताने का नाम ले ही नहीं रहा है। बट अभी आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं प्लान बस पता करके ही रहूंगा। बाकी यार जो गाड़ी है ना काफी ज्यादा बढ़िया, वैसे अगर इधर देखा जाए तो ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी अपनी बाइक लेकर आए और शायद इसीलिए आए हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड में ट्रेवर अपना बीआरपी का लेटा हुआ है हमेशा की तरह, और बाकी राइट साइड में वो रहे फ्रैंकलिन और लेस्टर। तो अभी जल्दी से मैं लेस्टर से बात करता हूँ और अभी प्लान पता करता हूँ, अगर उसने नहीं बताया तो फिर यही कहीं बहुत गलत सीन हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है। और गाइस इतनी देर से ना हम लोग बेमतलब में लेस्टर के ऊपर भड़क रहे थे कि इसको ना हम तीनों की फैमिली को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। बट यार ऐसी बात नहीं है, लेस्टर इस टाइम पर हमसे भी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि यार डगन बोस ने ऐसे साफ धमकी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर ये काम नहीं हुआ तो सीधी सी बात है वो सारी क्लिप्स मिलिट्री कर्नल को भेज देगा। बाकी ये चीज सुनने के बाद मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। मैंने सोचा एक ऐसा प्लान बनाते हैं हम चारों मिलके कि जाकर डगन बोस को ही निपटा दे, लेकिन यार इस चीज में ना ही उसका फायदा है, ना ही वो बचेगा, ना ही हम बचेंगे। तो यार इसीलिए मैंने सोचा कि हमें ना सोच समझ कर काम करना चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। बाकी तो यार जो काम हमें डगन बोस ने दिया है वो कोई काम नहीं है, वो एक चोरी है, वो भी बहुत बड़ी चोरी डायमंड कैसीनो के अंदर, जहां पर हम लोग ऑलरेडी दो बारी चोरियां कर चुके हैं। पहले तो हमने पैसा चुराया था, डायमंड चुराया था, पोस्टर चुराया था, बट इस बारी जो चोरी है गाइस उसके अंदर हमें गोल्डन स्टैचू और डायमंड स्टैचू चुरा कर लाने हैं, जिनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि 10 डायमंड कैसीनो आराम से आ जाएंगे। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कितने ज्यादा महंगे हो गए। अब बाकी जब हमने पहले चोरियां करी थी तो ही इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी, अब जिस जगह पर दो बारी चोरियां हो चुकी है तो वहां पर आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई होगी, जिस वजह से लेस्टर इतना ज्यादा टेंशन में था इतने टाइम से। तो लेकिन गाइस यार अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि मुझे ना अब तुम तीनों के साथ काम नहीं करना, तुम जाकर खुद ही अपनी अपनी फैमिली को बचा लेना, वो अपना जाकर अंडरग्राउंड छुप जाएगा, उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, कोई नहीं मार पाएगा। अब लेस्टर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ट्रेवर करना इस टाइम पर पूरा दिमाग खराब हो गया। ट्रेवर कह रहा है कि मैं अपने दोस्तों को बुलाकर जाकर डगन बोस को मार दूंगा, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन लेस्टर इसे रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं मार रहा। सॉरी ट्रेवर, अभी फिलहाल मेरे को ही तुझे बेहोश करना पड़ेगा, इसकी ऐसी की तैसी, ये मान क्यों नहीं रहा तेरी ऐसी की तैसी, अभी तू निकल यहां से। अभी फिलहाल गाइस मेरे को बेमतलब इसे मारना पड़ रहा है, तो सॉरी यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इसको मारते हुए, बट अभी फिलहाल अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अगर ये डगन बोस के ऊपर जाकर अटैक कर देगा तो सीधी सी बात है, पहली बात तो 1% चांस है कि अकेला उसे मार दे, और दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं मार पाया तो काम और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे अभी बेहोश करना ही बेटर समझा, वरना यार कोई फायदा नहीं था। तो गाइस यार वैसे तो डगन बोस ने पूरे के पूरे 7 दिन का टाइम दिया स्टोरी को करने के लिए, जिसमें से 3 से 4 दिन तो लेस्टर ही लगा देगा एक सेटअप करने में और एक प्लान बनाने में इस चोरी के लिए। लेकिन गाइस यार लेस्टर कह रहा है कि ये जो चोरी है हम लोग बिना प्लान के करने जा रहे हैं और आज ही करने जा रहे हैं, क्योंकि गाइस आज का दिन ना अपने लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज है हैलोवीन फेस्टिवल, तो पूरे के पूरे शहर में जितने भी बंदे हैं सारे के सारे अलग अलग कॉस्ट्यूम में घूमने होंगे, सबने मास्क लगा रखा होगा, कोई एक दूसरे को पहचानेगा नहीं, और इस बढ़िया मौके का फायदा हमें अच्छे से उठाना है, क्योंकि बाकी दिनों के मुकाबले आज चोरी करना ज्यादा आसान है। तो इसीलिए गाइस यार आज का बढ़िया मौका हमें किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं है। तो भी जल्दी से लेस्टर से बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना होगा इस चोरी को करने के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर और मैं निकल रहे हैं सीधा इस रोबरी की तैयारी के लिए, क्योंकि गाइस अभी ना फिलहाल हमें काफी सारी चीजें करनी है आज रात होने से पहले, तभी ये जो रोबरी है पॉसिबल हो पाएगी। फिलहाल के लिए फ्रैंकलिन को मैंने यहीं पर रुकने के लिए बोल दिया ताकि ये ट्रेवर का ध्यान रखे, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेवर को होश आ जाए और ट्रेवर सीधा निकल ले डगन बोस को मारने के लिए दोबारा से। तो चल भाई लेस्टर जल्दी से बाहर आ जा, फटाफट से मैं बैठता हूँ बाइक पर, और ये लेस्टर कहाँ रह गया जल्दी कर भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है, शायद से अपना फोन वगैरह ले रहा होगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेस्टर अपना सीक्रेट बेस से बाहर आकर अपनी बाइक पर बैठ चुका है, और गाइस यार इस टाइम पर ना अपना मेन टारगेट ये है कि आखिरकार हम लोग को डायमंड कैसीनो के अंदर एंटर कहाँ से होना है। मतलब यार एंटर करने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, बट हमें एंटर ऐसे होना है कि कोई भी हमारा फेस ना देख पाए। और वैसे भी आज तो यार हमारे पास पूरा फायदा है, क्योंकि आज के दिन हैलोवीन के दिन डायमंड कैसीनो के अंदर एक बहुत ही बड़ा इवेंट, या फिर आप कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है, जिसके अंदर जितने भी बंदे हैं ना वो सारे के सारे हैलोवीन वाला कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं। कोई मॉन्स्टर बनकर आता है, कोई ड्रैगन बनकर आता है, कोई ज़ॉम्बी बनकर आता है, तो हम भी कोई ना कोई कॉस्ट्यूम पहनकर डायमंड कैसीनो के अंदर एंटर हो जाएंगे और हमें कोई भी पहचान नहीं पाएगा, जो कि सबसे बेस्ट बात है, यानी कि सीसीटीवी वगैरह कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट दिक्कत की बात यह है कि आज के दिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डायमंड कैसीनो में भीड़ भी उतनी ज्यादा होती है। बट एक सीन और है कि हम लोग यार अपने वेपन्स लेकर बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यार हमारी गेट पर पहले ही चेकिंग हो जाएगी, तो सीधी सी बात है हमारे पास वेपन्स निकलेगा तो हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हमें बिना वेपन की कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग छुपा कर वेपन्स अंदर ले जाए। फिलहाल वो तो बात की बात है, अभी उससे पहले कि जो जो इंपॉर्टेंट काम है गाइस वो कंप्लीट करते हैं, जो कि मैं लेस्टर ने बताया है। तो लेस्टर कह रहा है कि जिस चीज को हम लोग चुराने के लिए डायमंड कैसीनो जा रहे हैं ना, अगर हम उस चीज को वहां से चुरा लेंगे फिर हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे। मतलब ऐसा सीन है कि अगर वो जो स्टैचू हमने वहां से उठा लिया ना, तो वहां का जो रास्ता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और वापसी निकलते समय हमें करंट लग जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। तो हमें उसको उठाकर ना वहां पर फेंक रखना पड़ेगा,
करेगा तो ही हम लोग वहां से बाहर निकल पाएंगे। उस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा भाई, जो भी है सारा साइंटिफिक सेटअप है। तो ये सब लेस्टर को ही पता है, बाकी भी जल्दी से जो जो लेस्टर कह रहा है वो करते हैं। तो लेस्टर कह रहा है सबसे पहले अभी हमें जाना है एक जगह पर, वो बंदा ना हमारे लिए फेक स्टैचू बना देगा, तो अगर अभी उसे जल्दी से जल्दी बोलेंगे तो फटाफट से काम करेगा। मतलब कि उस बंदे की ना मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उसका असली काम कुछ और ही है। बाकी उसकी शॉप लेस्टर किधर है, तूने तो यहीं पर बताई थी, मैं पहुंच गया हूं बट मेरे को मिल नहीं रही। एक मिनट रुक जा रही है, मोबाइल रिपेयर ओके तो बगल में ही है, मैं थोड़ा सा पीछे वाले रोड पर था तो हमें बस यहां पर जाना है और फटाफट से उसके पास चलते हैं। मतलब लेस्टर जितने भी फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाता था, जो भी फेक चीजें बनवाता था, वो इसी से बनवाता था। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इसके पास चलते हैं और फटाफट से ना गाइस अभी इसको हम लोग अपना फेक स्टैचू बनाने के लिए भी बोल देते हैं, ताकि हम लोग वहां से रियल वाला उठा ले और नकली वाला वहां पर रख दें, जिससे कि किसी को पता भी ना चले कि यहां पर कोई चोरी हुआ। तो लेस्टर जल्दी से आ जा, अभी फटाफट से चलते हैं अंदर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं सीधा इस जगह के अंदर आ चुका हूं, तो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग सामने चलते हैं। बाकी तो यार आप लोग एकदम लेफ्ट कॉर्नर में जो बंदा देख पा रहे हो ना, हमें बस उसके पास जाना है, क्योंकि अभी तक जितने भी फेक आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट या फिर कोई भी चीज होती थी हम लोग इसी से बनवाते थे। मतलब ये जो जगह है ना, कहने को एक मोबाइल सर्विस सेंटर है बट इनका मेन काम है कोई भी चीज को डुप्लीकेट बनाना। तो फिलहाल यहां पर आपको प्रिंटर, पेपर्स यही सब देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी जल्दी से मैं इससे बात करता हूं और इससे पता करते हैं कि आखिरकार क्या ये हमारे लिए फेक स्टैचूज बना पाएगा या फिर नहीं। तो अभी तो फिलहाल ये लैपटॉप पे लगा हुआ है, जल्दी से पूछ लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर लेस्टर ने इसे उन स्टैचूज की फोटो दे दिया है जो कि हमें डुप्लीकेट बनवाने हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से यहां से निकल लेते हैं हम। बाकी यार ये कह रहा है बना तो देगा पर जल्दी बनाने के एक्स्ट्रा पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, जो कि मैंने इसे पूरी की पूरी पेमेंट कर दिया। मैंने बोल दिया भाई जितने पैसे चाहिए ले, लेकिन फटाफट से अभी के अभी बना कर दे। मतलब ये कह रहा है कि 3-4 घंटे लगेंगे लेकिन बन जाएगी। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग यहां से निकलते हैं, अपने बाकी काम कर लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग इसकी शॉप से बाहर आ गए हैं। वैसे यार ये जो बंदा है ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यार इसने ना हमारे लिए काफी सारी डुप्लीकेट चीजें बनाई है। तो गाइस अभी ना फिलहाल अपना एक काम तो हो गया, लेकिन अभी भी ये काम पूरा निपटा नहीं है। जब तक वो स्टैचू बन नहीं जाते और जब तक हमें मिल नहीं जाते, तो समझ लो अपना अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। अभी जो अपना दूसरा काम है वो ये है कि हमें ना कुछ कॉस्ट्यूम्स लेकर आने हैं हेलोवीन के लिए। तो भी फटाफट से किसी बढ़िया से शॉप पर चलते हैं जहां पर एकदम हमें बढ़िया से कॉस्ट्यूम मिल जाए। वैसे ना हमें टोटल 3 कॉस्ट्यूम चाहिए, क्योंकि लेस्टर थोड़ी अंदर जाएगा, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और मैं, हम तीनों अंदर जाएंगे। तो 3 कॉस्ट्यूम लेकर आते हैं बढ़िया से। वैसे अगर देखा जाए ना सबसे बढ़िया शॉप तो मेन मार्केट में है, तो वहां पर चलते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन से कॉस्ट्यूम ले लेने चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा मेन मार्केट की शॉप में पहुंचने वाला हूं, जहां से हमें बढ़िया बढ़िया हेलोवीन के कॉस्ट्यूम मिल जाएंगे अपने लिए। तो भी जल्दी से अपनी बाइक को आगे लेकर चलते हैं। बाकी तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि मैं कितनी ज्यादा तेज स्पीड में से भगाते हुए लाया हूं। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग इस शॉप पर पहुंच चुके हैं। बाकी तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम इनके पास है, बट ये वो वाले कॉस्ट्यूम है जिनमें फेस थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा। हमें कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम चाहिए जिनमें फेस बिल्कुल भी ना दिखे। तो अभी जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं इनके पास। वैसे काफी सारे कॉस्ट्यूम होंगे हेलोवीन के, बाकी 3-4 कॉस्ट्यूम इस तरफ में भी है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी मैं अपनी मनपसंद से बाय कर लेता हूं कि कौन कौन से हमें लेने चाहिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने शॉप से 3 हेलोवीन कॉस्ट्यूम बाय कर लिए हैं, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और अपने लिए। वैसे तो यार इनके पास ना काफी सारे बढ़िया बढ़िया अमेजिंग कॉस्ट्यूम थे, बट मेरे को जो अच्छे लगे मैंने वही बाय करे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इन कॉस्ट्यूम को लेकर मैं निकल लेता हूं सीधा किसी और जगह पर। मतलब कि अभी ना फिलहाल आज के दिन अपने पास काम ज्यादा है बट टाइम बहुत कम है। अब देखो अपना जो डायमंड कैसीनो के अंदर जाने का प्लान है ना गाइस, मतलब जो टारगेट है वो तो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट हमें वहां से बाहर कैसे निकलना है। मेन गेट से भी बाहर निकल लेते हैं, बट मान लो बाय चांस कोई ऐसा सीन हो जाए कि हम लोग मेन गेट से बाहर ना निकल पाए, मींस ऐसा कोई सीन हो जाए कि डायमंड कैसीनो के सारे गेट बंद कर दिए जाए, तो हम कहां से एग्जिट होंगे। तो उसी के लिए ना गाइस लेस्टर ना एक सेकेंडरी एग्जिट बनवा रहा है। मतलब यार एक ना टनल खुदवा रहा है लेस्टर, जो कि सीधा डायमंड कैसीनो में जाकर अटैच होगी। अब वो जो टनल है गाइस, उसे मतलब कि पूरा का पूरा खोदने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट अभी ना लेस्टर ने अपनी फ्रेंड को बोल के उसका जो काम है वो स्टार्ट करवा दिया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलते हैं और देख कर आते हैं कि आखिरकार वो टनल कैसी है, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि मेरे को वहीं पर छोड़ देना, क्योंकि ये जो है वो काम ना जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेगा। अगर जल्दी से जल्दी टनल बन जाएगी ना उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा, वरना यार टनल जो है बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो चलो अभी ना जल्दी से उस जगह पर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है, वो टनल कैसी है, कहां पर जाकर जुड़ेगी डायमंड कैसीनो के अंदर, वो सबकी जो प्लानिंग है लेस्टर वहीं चल के समझाएगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा डायमंड कैसीनो। वैसे तो यार बीच रास्ते में लेस्टर ने मेरे को पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें क्या करना है, बाकी एक बारी मैं आपको भी बता देता हूं। तो ये जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो ना, ये है अपना डायमंड कैसीनो, और जो टनल लेस्टर बनवा रहा है ना गाइस, वो डायमंड कैसीनो के बहुत ज्यादा पास में है, ताकि हमें ज्यादा डिगिंग करने की जरूरत ना पड़े। तो भी बस हमें क्या करना है, अपनी बाइक को ना यहां से थोड़ा सा आगे लेना है, ये डायमंड कैसीनो उसके एकदम जस्ट सामने इस तरफ में आना है, और बस हमें ना थोड़ा सा नीचे जाना है। यहां पर गाइस एक टनल आती है, मतलब जो अपनी टनल है ना गाइस, वो कोई नॉर्मल टनल नहीं है, मतलब एक टनल के अंदर दूसरी टनल जा रही है, कुछ ऐसा हिसाब है। तो भी जल्दी से अपनी बाइक को आगे लेकर चलता हूं। वैसे तो लेस्टर ने कहा था बस
अंदर जाते ही हमें नजर आ जाएगी। बाकी थोड़ा बहुत और आगे चल कर देखते हैं, मतलब अभी बनी नहीं है, बस अभी जस्ट काम स्टार्ट हुआ है। बट लेस्टर ने कहा है कि आज रात होने से पहले हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, बना देंगे। और बाकी तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लेस्टर की फ्रेंड भी आई हुई है, पेज हैरिस, और यहाँ पर अभी टनल का काम बिल्कुल चल रहा है। ये देखो भाई, पूरी की पूरी जमीन जो है तोड़ दिया है। बस इसी तरीके से ये जो मतलब कि आप व्हीकल देख पा रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका नाम ही कटर है। ये इतनी तेज इस दीवार को काटेगा ना कि छेद करता हुआ डायमंड कैसीनो तक पहुँच जाएगा। बस किसी को भी ये बात पता ना चले क्योंकि ये शोर बहुत ज़्यादा करता है। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। बाकी अभी लेस्टर कह रहा है कि वो यहीं पर रुकने वाला है, हम अपना बाकी काम करने निकल लेते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल के लिए लेस्टर अपना यहीं पर उतर गया इस टनल का काम देखने के लिए, ताकि जो टनल है जल्दी से जल्दी बनकर कंप्लीट हो जाए। बाकी तो यार अभी ना लेस्टर कह रहा है कि अभी के अभी सबसे पहले तुम जाओ सीधा डायमंड कैसीनो, क्योंकि डायमंड कैसीनो के पीछे ना हमें वहां पर एक डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर मिलने के लिए आ रहा है, जो कि डायमंड कैसीनो के अंदर हमारी एंट्री तो करवा देगा लेकिन सेलिब्रिटीज के साथ में। अब देखो एंट्री तो अपनी नॉर्मल भी हो जाएगी, बट सेलिब्रिटीज के साथ एंट्री करने पर ना गाइस हमें वीआईपी एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग डायमंड कैसीनो के होटल, पेंट हाउस हर जगह जा सकते हैं, जो कि अपने चोरी करने में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब वो कैसे, वो तो यार लेस्टर को ही पता है, बट जैसे जैसे लेस्टर कह रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। अभी जल्दी से उसके पास चलते हैं और देखते हैं आखिरकार वो क्या कहता है और कैसे अपनी एंट्री करवाता है। तो जहां तक है लेस्टर ने कहा था डायमंड कैसीनो के पीछे मिलेगा, जहां पर गार्डन टाइप है फिर ग्राउंड है, तो जल्दी से भी वहां पर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर पहुंच गया हूं सीधा डायमंड कैसीनो। बस मुझे यहां से अपनी बाइक को राइट लेना है। और बाकी यार देखो, लेस्टर ने कहा था कि जो पीछे वाला ग्राउंड है उसके एकदम कॉर्नर में तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना है। तो अभी जल्दी से अपनी बाइक को आगे लेकर चलता हूं डायमंड कैसीनो में, नहीं ग्राउंड के एंट्रेंस यहां से है। अभी फटाफट से अपनी बाइक को यहां पर राइट मोड़ते हैं। बाकी इधर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्पेशली वो जो बंदा है ना बहुत ज्यादा तेज है लेस्टर की तरह ही, तो उसने हमें वहीं पर मिलने के लिए बुलाया जहां पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह की कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो कॉर्नर पर तो मैं आ गया हूं, बट यार मेरे को यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। तो एक सेकंड यार, ओके, तो वो देखो वो खड़ा हुआ सामने की तरफ में। तो चलो रवि ने जल्दी से अपनी बाइक को मैं यहां से घुमाता हूं, पहले एक बार चेक कर लेता हूं कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना, पता चला यहां पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो चलो यार अच्छी बात है कि यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी फटाफट से अपनी बाइक को यहीं पर खड़े करते हैं और ये वो बंदा है जिसने हमें मिलने के लिए बुलाया। तो अभी जल्दी से अपनी बाइक को मैं यहां पर खड़ा करता हूं और इससे एक बार बात कर लेते हैं। तो वैसे यार ये जो बंदा है ना, देखने में तो कुछ ज्यादा ही अलग सा लग रहा है, क्योंकि उसने कुछ तगड़े से कपड़े पहन रखे हैं। तो चलो यार कपड़े वगैरह बाद में देखेंगे, अभी जल्दी से इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर से बात हो गई है, और गाइस ये कह रहा है कि सेलिब्रिटीज के साथ ये वीआईपी एंट्री तो हमारी करवा देगा, लेकिन एक काम हमें खुद भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर ना वहां पर काफी ज्यादा गार्ड्स, काफी ज्यादा सिक्योरिटी, काफी ज्यादा चेकिंग होगी। तो इसलिए ना हमें क्या करना है कि जो सेलिब्रिटी है ना उसकी गाड़ी चुरा कर लानी पड़ेगी, और उसी गाड़ी में हमें बैठ कर आना है, ताकि जो बाकी बंदे ना उनको भी हमारे ऊपर शक ना हो। तो भी अपनी डील पूरी डन हो चुकी है, लेकिन ये जो बंदा है ना ये अपने लिए फ्री में काम नहीं करने वाला। इस काम के बदले गाइस यार ये हमसे पूरे के पूरे $10 मिलियन मांग रहा है। बट यार अभी ना फिलहाल इसके बिना हम लोग ये काम आगे कर भी नहीं सकते, तो मैंने इसे बोल दिया कि चल भाई ले लियो $10 मिलियन, बट काम एकदम ढंग से होना चाहिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं अपनी बाइक पर बैठकर निकल लेता हूं सीधा उस गाड़ी को चुराने के लिए। और गाइस वो जो गाड़ी है ना वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है गाइस, वो रोल्स रॉयस की फैंटम लिमोजिन है, जिसका प्राइस सर मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मुझे पता है बहुत ज्यादा ही होगा। तो अभी ना यार बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, उस गाड़ी को चुराने की प्लानिंग वगैरह भी करनी है। वैसे प्लानिंग करने का टाइम नहीं है, अभी जल्दी से फ्रैंकलिन को अपने साथ लेते हैं और फटाफट से गाड़ी चुरा कर लाते हैं। बाकी अभी जल्दी से नहीं, जितने भी कॉस्ट्यूम है मैं से ले जाकर अपने लेस्टर के सीक्रेट बेस पे रख दूंगा। अभी फटाफट से फ्रैंकलिन को अपने साथ लेकर जाने वाला हूं। बाकी इधर रास्ता है ना, प्लीज ओके, तो चलो यहां पर अच्छा हुआ रास्ता मिल गया, वरना अभी एक बहुत तगड़ा लॉन्ग कट हमें मारना पड़ जाता। तो चलो अभी जल्दी से गाड़ी को लेकर वहीं पर चलते हैं। तो गाइस सर, वैसे ना आप में से बहुत से लोग सोच रहे हो कि गाड़ी चुराने से बढ़िया एक नई फैंटम लिमोजिन खरीद लो, लेकिन गाइस दिक्कत की बात यह है कि वो जो गाड़ी है ना गाइस काफी ज्यादा रेयर है, इतनी जल्दी वो मिलती नहीं है, उसको लेने के लिए लिबर्टी सिटी जाना पड़ेगा और वहां पर भी मैं 100% श्योर नहीं कि मिल जाएगी। तो इसीलिए यार इससे बढ़िया यही है कि उसकी चुरा लो, उसमें मतलब कि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी अगर हाँ ये है कि अगर उसकी चुराएंगे ना, तो फिर बंदों को भी यही रहेगा कि हाँ भाई यही रियल है। तो चलो अभी जल्दी से अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा करते हैं और फटाफट से अंदर चलते हैं फ्रैंकलिन को पूरा का पूरा प्लान बताने। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल जल्दी से अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा करके मैं सीधा अंदर चलता हूं, और अभी फटाफट से हम लोग फ्रैंकलिन को लेकर निकल लेते हैं सीधा उस सेलिब्रिटी के घर पर, जहां से हमें वो रोल्स रॉयस चुरा कर लानी है। बाकी वो देखो ट्रेवर को सामने की तरफ में, मतलब कि ना फ्रैंकलिन ने उसे यहीं पर रोक रखा था, बाहर नहीं निकलने दे रहा था, ताकि कहीं ये जाकर डगन बोस को न मार दे। और इसको देखो भाई साहब दीवार पे अपना गुस्सा निकाल रहा है, बेसबॉल बैट रख रख के मार रहा है। भाई दीवार मत तोड़ दियो, वरना ये सीक्रेट बेस में छेद हो जाएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं फ्रैंकलिन को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन अभी मुझे याद आया कि अगर फ्रैंकलिन अपने साथ चलेगा ना तो ट्रेवर यहां से बाहर निकलकर चले जाएगा सीधा डगन बोस को मारने के लिए। तो इसलिए मैंने फ्रैंकलिन को बोल दिया कि तू यहीं पर रुक, बस इसको बाहर मत निकलने दियो, क्योंकि अगर ये डगन बोस के पास चला गया तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मतलब यार देखो, मैं मानता हूं ट्रेवर अकेले जाकर भी डगन बोस को मार सकता है, क्योंकि भाई ट्रेवर फाइट लेने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। बट दिक्कत की बात वो नहीं है, अगर डगन बोस को मार भी देगा ना तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो क्लिप्स है उसके बॉडीगार्ड या फिर उसके असिस्टेंट वगैरह फिर जितने भी चेले छपाड़े हैं वो मिलिट्री कर्नल को भेज देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। मतलब ट्रेवर पता है किस टाइप का बंदा है, इसका दिमाग खराब हो जाता है,
ना तो फिर किसी चीज को नहीं देखता। तो चलो गाइस यार कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से मैं अपनी बाइक लेकर निकल लेता हूँ सीधा उसी जगह पर जहाँ पर से मुझे उस गाड़ी को चुरा कर लाना है। बाकी तो यार देखो उस बंदे ने ना मेरे को ये बोला था कि शाम 7:30 बजने से पहले तुम्हें उस गाड़ी को चुरा कर लाना है और जहाँ पर सेलिब्रिटीज की गाड़ियाँ खड़ी होती है जहाँ से वो लोग आकर अपनी गाड़ियों में बैठने वाले हैं उसी के पीछे लाकर खड़े करना है और उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के साथ जाओगे तभी एकदम रियल फील आने वाली है कि तुम सच्ची में सेलिब्रिटी हो, वरना सबको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। तो चलो यार सारा काम जल्दी से निपटा दे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर सीधा उस सेलिब्रिटी के घर पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ से मुझे उस कार को चुराना है। बाकी यार ये जो काम है मैं अकेले कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि एक गाड़ी के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होगी तो फटाफट से हम लोग गाड़ी चुरा कर यहाँ से निकलेंगे। मेरे को बाकी चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है क्योंकि अपने पास ना गाइस यार अभी बहुत कम टाइम है और फाइनली हम लोग उस सेलिब्रिटी के घर पर तो पहुंच चुके हैं। तो गाइस यार देखो जो बाहर की तरफ में एरिया है ना वहां पर तो मेरे को कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है और मान लो कि इसके बंदे मार के मैं इसके गैराज तक भी पहुंच जाऊं और अगर अंदर गाड़ी हुई नहीं तो सारा का सारा अपना काम खराब हो जाएगा। ऊपर से जो जितना बड़ा प्लान बनाया ना गाइस ये भी खराब हो जाएगा, बट मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। अभी चलकर देखते हैं क्या सीन है, नहीं मिली तो भी ठीक है, मिल गई तो और ज्यादा बढ़िया है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल ये जो बाइक है मैंने अपनी साइड में खड़ी कर दिया तो अभी फटाफट से ना यहाँ पर हम लोग चलते हैं सीधा अंदर। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है गाइस यार सबको मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ, बट ऐसे नहीं कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पर एक बंदे को मैंने डाउन कर दिया, बाकी जो गैराज है ना गाइस यार वो मैंने थोड़ा पीछे से देख लिया था किस तरफ में है। तो अभी फटाफट से यहाँ पर जितने बंदे हैं ना इनका यहाँ पर मैं भूत बनाता हूँ। तो गाइस अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे। तो फिलहाल यहाँ पर इन बंदों को मैंने मार दिया, एक काम करता हूँ ना थोड़ा बहुत साइड से जाऊंगा क्योंकि इनके घर में घास फूस बहुत ज्यादा लगी हुई है तो मैं छुप छुप के अंदर जा सकता हूँ, बट यार यहाँ पर गोलियां तो मेरे पड़ने लगी बहुत ही बुरी तरह, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइस यार पीछे की तरफ में मैंने बंदे तो मार दिए थे बट पीछे से अभी भी कोई मेरे गोलियां मारने की कोशिश कर रहा। अच्छा जी यहाँ पर ये साइड में घासों में छुपकर बैठा हुआ था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको भी डाउन कर दिया है। मतलब इसीलिए इतने सारे यहाँ पर इन्होंने घास फूस लगा रखे घर में ताकि ये छुप छुप के लड़े। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इन सबको मार दिया और सामने की तरफ में गाइस अभी भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है जो कि ऊपर की तरफ में ना चढ़ चढ़ कर बैठी हुई है तो इन सबको मैं अभी बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ। बाकी यार ये जो मतलब सेलिब्रिटी की सिक्योरिटी है ना मेरे को पता नहीं था कि एक सेलिब्रिटी के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी, वरना मैं थोड़ा बहुत सोच समझ कर आता। अभी फिलहाल चोरी तो मैं कर जाऊंगा क्योंकि इस टाइम पर ना गाइस यार अपने लिए जो फैमिली अपनी बचाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल सामने की तरफ से काफी सारे बंदे मेरे को मारने के लिए आ गए हैं, लेकिन यार अभी ना फिलहाल इनका बहुत मजाक हो गया, अभी इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। मतलब कि यार ये लोग ना हर साइड से आ रहे हैं, वो देखो एक बंदा उस साइड से भी आ गया। बाकी बिना फिलहाल को थोड़ा बहुत सोच समझ के इनसे फाइट लेनी पड़ेगी, एक मिनट रुक जाओ। ये बंदे के भाई सब इतनी ज्यादा गोलियां मैंने बजाई थी पूरे दोबारा उठ गया, मत्थे पे बजाई है AK-47, जान तो इसके अंदर अभी भी बची है, लेते रही निकल यहां से। एक बंदा और है सामने, तू भी निकल। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर मैंने इन सबको मार दिया, बाकी तो और भी अभी बचे हैं बट वो सारे के सारे सामने है। वो एक बंदा ना स्नाइपर मार रहा है कमरे के अंदर से, वो भी छुप के। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोग का बहुत मजाक हो गया, अब मैं इनको सबक सिखाऊंगा वो भी एकदम अलग रास्ते से जाकर। मतलब कि अभी ना इन लोग को मालूम पड़ चुका कि मैं एकदम सामने से आ रहा हूँ। बाकी यार ये जो इस बंदे का घर है ना मैं सच्ची बता रहा हूँ इस साइड पर घर ना मैं पहली बार देख रहा हूँ। बाकी वो देखो ऊपर से एक बंदा ना ब्रिज से आके मार रहा है, भाई इसकी सिक्योरिटी भले कम है पर बहुत ज्यादा ना दिमाग वाली है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जितने भी बंदे पीछे की साइड से आए थे उनको भी मैंने मार दिया है और ये जो ब्रिज वाला बंदा है ना इसकी भी हड्डी पसली एक कर डाली। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं जंप मारता हूँ, फटाफट से इस वाले हेलीपैड पर तो मैं पहुंच चुका हूँ। बाकी भी मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ इस टाइम पर गैराज के। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल अब तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी ना फिलहाल ब्रिज पर भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ गया है जो कि सीधा इस हेलीकॉप्टर पर गोलियां मारे जा रही है और हेलीकॉप्टर से धुआं निकलने लग गया है, हो सकता है हेलीकॉप्टर थोड़ी देर में ब्लास्ट भी हो जाए। बाकी सामने की तरफ में भी और काफी सारे बंदे हैं, लेकिन यार ये तो बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठा हुआ है, निकलती रही ऐसी की तैसी। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन फालतू बंदों से फाइट लूं। पीछे की तरफ में एक बंदा था उसके मैंने स्नाइपर बजा दी, यहां पर एक और बंदा है इसके भी मैंने स्नाइपर बजा दिया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से मैं अंदर चलता हूं और गाइस यार ये रही गोली मोदी जो कि मेरे को यहां से लेकर जानी है। फिलहाल हेड टू हेड पे मैंने इसके एकदम भरकर गोलियां बजा दिया है, भाई काफी ज्यादा खतरनाक बंदे थे, मतलब कि बिना हेलमेट वगैरह के भी इतनी ज्यादा गोलियां खा गए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहां पर मैं इस गाड़ी में बैठता हूं, भाई काफी ज्यादा तगड़ी गाड़ी है और मुझे पहले भी पता था इस गाड़ी के बारे में, मेरा बहुत मन है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, बट आज से पहले मुझे कभी गाड़ी मिली नहीं थी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल लेते हैं, यार कितनी ज्यादा लंबी है, मतलब कि जो अपनी लिमोजिन है ना उससे कुछ ज्यादा ही तगड़ी है वाली। तो चलो अभी जल्दी से इसको लेकर मैं से निकलता हूँ। नहीं यार इस पे गोलियां मत मार क्योंकि इसके शीशे टूट गए तो बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अभी जल्दी जल्दी यार यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा, पीछे की तरफ में एक बंदा तो है लेकिन यार अभी ना फिलहाल उससे लड़ने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और यहाँ पर एक भाई साहब ये देखो उसने आ गया ग्लास तोड़ दिया, अभी फिलहाल इसे रिपेयर भी कराना पड़ सकता है। नहीं यार मैं इस टाइप की फाइट नहीं चाहता था, बट अभी अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक तो ये जो गाड़ी है ना इतनी ज्यादा भारी है, मैं
क्या बताऊं भाई, मतलब कि रेस दे रहा हूं ना तो इतनी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है, उसका ब्रेक मारने में भी बहुत टाइम लगा रही है रुकने में। बट जो भी है, अभी अपना काम हो चुका है तो जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी लिमोजिन लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा अपने शोरूम में। फटाफट से जो गाड़ी है ना गाइस, बेनी से रिपेयर करवा लेंगे, क्योंकि इसका जो आगे वाला ग्लास है ना वो टूट गया है और साफ दिख रहा है इसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह बुलेट पड़ी है। तो इसी गाड़ी को मैं किसी और से इसलिए रिपेयर नहीं करवा रहा क्योंकि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए चोरी गया है। बाकी गाड़ी काफी ज्यादा बढ़िया है तो सोच रहा हूँ इस पर कलर वगैरह भी करवा लेंगे तो बढ़िया रहेगा, मतलब इसका कलर ना चेंज करवा देंगे। मैं सोच रहा हूँ व्हाइट से ब्लैक करवा दें ताकि किसी को बिल्कुल भी हमारे ऊपर शक ना जाए। बाकी जो गाड़ी है ना भाई, सच्ची में एक नंबर है। जैसे कि अपनी रोल्स रॉयस ना ब्लैक कलर की, वो इतनी ज्यादा हैवी वेटेड थी क्या बताऊं, बाकी ये तो उसके डबल वेट वाली है। तो बाकी यार एक सेकंड, ये बैनी यहां पर नहीं है शायद से, एक सेकंड यार, एक मेरे हिसाब से वो ऊपर होगा। तो भी जल्दी से एक बार ऊपर चलते हैं, पता करते हैं कि वहां पर बैनी है या फिर नहीं है। मेरे को तो नहीं लग रहा कि अभी वो शोरूम में होगा क्योंकि उसके पास भी काफी सारे काम होते हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, चलकर देखते हैं अभी पता नहीं वो कहां पर होगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैं भागकर सीधा अपने शोरूम के ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया हूं। बाकी यार बैनी इधर भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर ऑफिस में लामार बैठा होगा। फटाफट से लामार को बोल देंगे जब बैनी आएगा तो उसे वो गाड़ी रिपेयर करने के लिए बोल दे। बाकी अभी तो मैं फिलहाल निकल जाऊंगा सीधा लॉस सैंटोस। तो एक काम करेंगे, लामार या बैनी में से कोई हमें गाड़ी आकर दे जाएगा, मैं फोन करके बोल दूंगा जब गाड़ी रिपेयर हो जाएगी तो। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने लामार को बोल दिया कि जल्दी से फोन करके बैनी को बुला और फटाफट से जो गाड़ी है ना इसे रिपेयर करवा के मुझे लॉस सैंटोस में, मतलब कि हमारे घर पर खड़ी करके चले जाइयो। अब बाकी कह रहा है कि बैनी किसी की गाड़ी डिलीवर करने गया हुआ है, कोई मतलब कि रिपेयर करवाने के लिए देकर गया था इसलिए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं। बाकी अभी ना काफी सारी फरारी तो बिक गई, बट अभी जो फरारी है ना गाइस वो नहीं बिक रही है, मतलब कि धीरे धीरे बिक रही है, बट जैसे पहले दिन बिकी थी वैसे नहीं हो रही। बट अभी छोड़ो, शोरूम का काम बाद में, अभी फिलहाल अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यही है। तो भी काम करता हूं, जो अपनी कोने से गगेरा खड़ी हुई है ना, जल्दी से उसी को लेकर चलता हूं सीधा लॉस सैंटोस। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से मैं अपनी कोने से गगेरा में बैठकर निकल लेता हूं सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी तो यार इतनी देर से मैं गाड़ी में हेलमेट लगाकर घूम रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए था, पहली बात तो ताकि हमारे कोई बुलेट वगैरह भी ना लग जाए, और दूसरा मेन रीजन ये था कि कोई हमें पहचान ना पाए। तो चलो यार बहुत टाइम पास हो गया, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं सीधा लॉस सैंटोस, और मैं हेलमेट तभी उतारूंगा जब मैं सेफली वहां पर पहुंच जाऊंगा। बाकी भी फिलहाल लामार जब तक मतलब कि गाड़ी वगैरह रिपेयर जब हो जाएगी तो बैनी के साथ आकर हमें दे जाएगा। तो अभी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए निकल लेते हैं। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी कॉलोनी से गगेरा लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पर। बस मुझे आगे वाले घर से अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ना है और हम लोग पहुंच जाएंगे। बाकी यार ये जो गाड़ी है ना, सच्ची में इसको चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है अगर इसे तेज स्पीड में चला रहे हो, और फिर अगर ब्रेक मारनी पड़ जाए तो भाई ये गाड़ी रुकने का नाम लेती ही नहीं है। मतलब कि यार अभी तो फिलहाल रोड एकदम सही है तो इतनी दिक्कत आ रही है। मान लो कल को बारिश हो रही है और एकदम पानी बिखरा पड़ा है, रोड एकदम गीले हो रखे, तब तो भाई सीधी सी बात है एक्सीडेंट होना पक्की बात है। तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल हम लोग सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके हैं। बस आगे वाले कट से एक बार फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं लेफ्ट मोड़ता हूँ। मेन इस गाड़ी को चलाने का मजा इसीलिए आता है क्योंकि इसके जैसा साउंड यार सच्ची में बुगाटी डीवो को छोड़कर किसी भी गाड़ी का नहीं है। तो चलो अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। बाकी यहाँ पर एक बंदे की और किसी की गाड़ी आकर खड़ी हो रखी है, पता नहीं किसकी है, लेकिन अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ड्राइवर निकल कर चला गया। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन ने रोक कर ही रखा होगा। अभी जल्दी से अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है। तो यार वो देखो सामने की तरफ में अपना यहाँ पर ट्रेवर और फ्रैंकलिन तो बैठे हुए हैं, और इस टाइम पर यार ट्रेवर लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत शांत हो गया है, मतलब पहले तो पागलों की तरह दीवार तोड़ने में लगा हुआ था, मतलब अपना गुस्सा उतार रहा था। और वो देखो लेस्टर आ गया, और जो अपने स्टैचू हमने बनने के लिए दिए थे वो भी बनकर आ गया क्योंकि वो बंदा यहाँ पर लेकर आ गया। तो शायद से वो जो गाड़ी है वो लेस्टर की थी। तो चलो अभी लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि गाइस अभी रात होने वाली है और 7:30 बजे तक हमने अपनी लिमोजिन लेकर पहुंचना है सीधा उस जगह पर जहां पर सारे सेलिब्रिटीज आकर अपनी गाड़ियों में बैठने वाले हैं। तो अभी जल्दी से बात कर लेते हैं लेस्टर से। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से बात हो गई है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि तुम तीनों जल्दी से एक काम करो, इन दोनों स्टैचूज को उठा के एक बैग में डालो और फटाफट से इनको लेकर निकल जाओ सीधा अपने घर पर, और जल्दी से जल्दी कपड़े बदलो जो भी हम कॉस्ट्यूम लेकर आए हैं, और उनको पहन करना करेक्ट 7 बजे जो लोकेशन हमें लेस्टर देगा उस लोकेशन पर हमें पहुंच जाना है। मतलब कि लेस्टर का कहना यह है कि भी जितना भी काम है वो सारा का सारा कॉल पर होने वाला है, तो ब्लूटूथ हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं फटाफट से, उठ जा भाई ट्रेवर तू भी। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने दोनों स्टैचूज को अपने बैग में डाल लिया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने घर के लिए, और बैनी को भी मैंने फोन करके एक बार बोल दिया था, मतलब लामार ने भी फोन कर दिया था, बट एक बार ये ना गाइस मैंने भी उसे कॉल करके बोल दिया कि जल्दी से ना वो जो गाड़ी है उसे रिपेयर करके मेरे घर पे ही लाकर रख दियो, क्योंकि अभी ना गाइस अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर हम लोग यहां से निकल लेते हैं। फ्रैंकलिन अपनी बाइक से आने वाला है, बाकी ट्रेवर अंदर कहां पर रह गया। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर भी अपना सीक्रेट बेस से बाहर आ चुका है। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं सीधा अपने घर
के लिए। बाकी यार यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ, इस गाड़ी को ना एकदम आराम से घुमाएंगे, बिल्कुल भी ठुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये ठुक गई ना तो फिर हमारे नुकसान होने वाला है, क्योंकि अपनी गाड़ी नहीं है, ये किसी और की गाड़ी है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं सीधा अपने घर पर। बाकी अभी बस एकदम आराम आराम से चलानी, और वैसे भी रात हो चुकी है, हमें 7 बजने से पहले पहुँचना है, मतलब कि जितने भी सारे काम है ना, अपने कॉस्ट्यूम बदलना, उस गाड़ी को लाना, वो सारे काम कंप्लीट करने हैं। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं, और बाकी फ्रैंकलिन भी अपने साथ साथ आ ही रहा है अपनी बाइक लेकर। तो चलो गाइस यार फाइनली मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुका हूं सीधा अपने घर पर। बाकी ये इसने आगे कैसे लाकर लगा दी मेरे तेरी, ऐसे की तैसे निकल यहां से। तो चलो अभी फाइनली हम लोग अपने घर पर पहुंच चुके हैं। बाकी तो यार ये कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है, मतलब कि कोने से अगर अपने घर में आती हुई। तो चलो यार अभी ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़े करता हूं। बाकी यार एक सेकंड, ओके, तो जो मेरी गोल्ड लिमोजिन है ना गाइस, वो यहां से लामार लेकर जा चुका है, मैंने उसको बोल दिया था, क्योंकि यार डगन बॉस का कुछ भरोसा नहीं है, अभी फैमिली के बंदे किडनैप करके ले गए, कब गोल्ड लिमोजिन ले जाए कुछ मालूम नहीं। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करते हैं, और फटाफट से चलते हैं सीधा अपने घर के अंदर, और जल्दी से चल के अपने कॉस्ट्यूम को बदलते हैं, और फिर जल्दी से निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर जहां पर हमें लेस्टर ने जाने के लिए बोला है। मतलब कि यार अभी तक ना लेस्टर ने हमें मतलब की लोकेशन नहीं बताई है, बट अभी वो कह रहा है कि सारी जो बात है वो कॉल पे ही होने वाली है। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से चलकर हम लोग यहाँ पर बैठकर पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब कि हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी, सारी की सारी प्लानिंग तो लेस्टर की है, बट यहाँ पर बैठ के ना फटाफट से हम लोग अपनी जो मतलब आउटफिट्स है वो पहन लेते हैं। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग अपना अंदर तो आगे, लेकिन जो शॉपिंग बैग्स है जिसके अंदर अपने सारे कॉस्ट्यूम्स है वो तो यार बाहर गाड़ी में रह गए। तो भी जल्दी से लेकर आता हूँ, फटाफट से कपड़े बदलकर हम लोग निकल लेते हैं, 7 बजने से पहले हमें वहां पे पहुंचना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी से जो है सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स निकाल लिए हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से अंदर लेकर चलते हैं, जो ट्रेवर फ्रैंकलिन के उनको दे देता हूँ, वो लोग अपना नीचे ही बैठकर अपने कपड़े बदल लेंगे। बाकी अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा अपने रूम में, अपने वार्डरोब में, वहां पर जाके कपड़े बदलेंगे। तो चलो भाई अभी जल्दी से तुम दोनों भी तैयार हो जाओ। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो इनके बैग्स है वो मैंने पीछे टेबल पर रख दिया है, तो अभी फटाफट से यहाँ पर जो मेरा कॉस्ट्यूम है उसे लेकर निकल लेता हूँ सीधा अपने वार्डरोब में, और अभी फटाफट से जल्दी से हम लोग तैयार हो जाते हैं। बाकी हमें तैयार कुछ इस टाइप से होना है कि कोई भी हमें पहचान ना पाए, यहाँ तक कि हम खुद भी खुद को पहचान ना पाए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो एक बार ही मिरर में देखते हैं, ओ भाई साहब क्या खतरनाक लुक आ रही है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से नीचे चलते हैं, और चलकर देखते हैं कि ट्रेवर और फ्रैंकलिन तैयार हुए या फिर नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी आधा घंटा बर्बाद कर चुके हैं, तो 7 बजने में ज्यादा देरी नहीं है। बाकी ये देखो भाई साहब, ट्रेवर को पहले जल्दी मची हुई थी, डगन बॉस को मारने जा रहा था, और अब इसको बियर दिख गई तो ये इसमें बिजी हो गया। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी फ्रैंकलिन अपना यहाँ पर तैयार हो चुका है, फ्रैंकलिन के लिए मैंने ये वाला कॉस्ट्यूम बाय करा था, जो कि इस पर बड़ा सही लग रहा है। मतलब कॉस्ट्यूम तो सिंपल ही है, लेकिन इसके ऊपर का जो पंपकिन है वो बहुत सही है। तो अभी जल्दी से ट्रेवर को भी तैयार होने के लिए बोलते हैं, और बाकी देखते हैं बैनी अभी तक मेरे हिसाब से नहीं पहुंचा, एक बार कॉल करके बोलता हूँ कि वो लॉस सैंटोस भी पहुंचा है या फिर नहीं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर बाहर देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ पर जो सामने की तरफ में स्काई शॉट्स मतलब बहुत ही खतरनाक फट रहे हैं, वो देखो यार सामने की तरफ में बिल्डिंग्स के पास कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है। मतलब चारों तरफ ना गाइस आज के दिन फायरवर्क्स ही होने वाले हैं, जितने भी बंदे हैं पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में, हर जगह पटाखे जलने वाले हैं। बाकी तो यार इन सब चीज में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, जल्दी से बैनी को फोन करके बोलता हूँ आखिरकार वो कहाँ पर है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बैनी से कॉल पे बात हो गई है, और गाइस बैनी कह रहा है कि बस वो लॉस सैंटोस पहुंच चुका है, और अब बस 10-15 मिनट और लगेंगे और वो घर पर पहुंच जाएगा। अब यार देखो दिक्कत की बात यह है कि बैनी को अच्छी गाड़ी चलानी आती है, लेकिन वो गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए उसे कंट्रोल करना ना काफी ज्यादा मुश्किल है, वरना ठुक ठुका जाएगी। बाकी ड्राइवर को ना भी जल्दी से तैयार होने के लिए बोलते हैं, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने ड्राइवर को तैयार होने के लिए बोल दिया है, तो अभी ना एक काम करता हूँ, जल्दी से ना एक बार लेस्टर को भी कॉल करके पता कर लेता हूँ कि आखिरकार हमें किस लोकेशन पर जाना है उस गाड़ी को लेकर, मतलब कि बैनी भी बस पहुंचने वाला है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे की प्लानिंग अपनी क्या है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है, और गाइस वो कह रहा है कि जल्दी से 10 मिनट के अंदर सीधा उस जगह पर पहुंचो जहां पर हमेशा मूवी प्रीमियर होती है, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज है ना गाइस वो सारे के सारे वहीं पर से तैयार होकर निकलने वाले अपनी गाड़ी में बैठकर। तो हमें जल्दी से इस गाड़ी में बैठकर वहां पर पहुंचना है। बाकी बैनी यार एकदम सही टाइम पर आज गाड़ी लेकर पहुंच गया। तो वैसे यार दिक्कत की बात यह है कि ट्रेवर अभी तक तैयार नहीं हुआ, और ये गेट को क्या बीमारी होगी, लग रहा है इसके भी सेंसर खराब हो गए। अच्छा सेंसर नहीं खराब हुए, इस टाइम पर हमने फेस पे एकदम ऐसा मास्क लगा रहा है कि हमें पहचान नहीं पाया, मतलब ये कैमरे से पहचानता है तो ही खुलता है। बाकी तो यार यहाँ पर गाड़ी देख लो यार, बैनी ने पूरी की पूरी नहीं कर दी, साथ में नंबर प्लेट भी चेंज करने के लिए बोली थी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, गाड़ी चेंज होगी बस इतना बहुत है। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से चलते सीधा घर के अंदर, और चलकर देखते हैं कि ट्रेवर तैयार हुआ या फिर नहीं, क्योंकि यार अपने पास अभी ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, गाड़ी वाड़ी सब आ चुकी है। और एक काम करता हूँ यार, बैनी को ना आज मैं घर पर रुकने के लिए बोल देता हूँ, क्योंकि हम लोग भी जा रहे हैं और साथ ही माइकल की फैमिली भी घर पर नहीं है, तो अगर ये रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, मतलब कि सेफ्टी के लिए रह लेगा या फिर एक दिन यहीं पर रुक लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फाइनली ट्रेवर भी तैयार हो गया है, तो चल भाई बैनी तू अपना बस घर का ख्याल रखियो, अभी हम फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर जाने के लिए। वैसे भी ना फिलहाल सब कुछ हमारे पास है, मतलब कि वेपन्स हम लोग ज्यादा लेकर
करने जाने वाले, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं लेकर जाने वाले। तो मेरे पास जितने वेपन्स थे वो भी मैंने सारे के सारे रख दिए हैं, और फ्रैंकलिन ट्रेवर के पास जो भी वेपन्स थे वो भी उन्होंने रख दिए हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी इस टाइम पर ड्राइव मैं ही करने वाला हूँ, और अभी जल्दी से जल्दी हमें उस लोकेशन पर पहुंचना है। जल्दी आओ यार गाड़ी में बैठो। इस टाइम पर से देखा जाना सबसे बढ़िया ड्रेस तो यार ट्रेवर की है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर फ्रैंकलिन अपना पीछे वाली सीट पर आकर बैठ चुका है। तो गाइस अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ पर हमें लेसन ने जाने के लिए बोला है। वैसे यार अभी ना थोड़ी देर पहले इतने ज्यादा स्काई शॉट्स नहीं फट रहे थे, बट अभी जैसी थोड़ी बहुत रात और हुई है ना भाई, यहाँ पर तो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक चारों तरफ फटने लग गए हैं और पूरी खतरनाक आवाज आए जा रही है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं, हमें ना गाइस अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लिमो लेकर सीधा रेड कार्पेट पर पहुंचने वाला हूँ जहाँ पर मुझे लेस्टर ने जाने के लिए कहा था। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर फुल स्पीड में एकदम सीधा भगाते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर आज के दिन नजारे देख पा रहे हो कितने ज्यादा तगड़े, वो देखो भाई एक के बाद एक स्काई शॉट चारों तरफ, वो भी पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में फटे ही जा रहे हैं। फिलहाल के लिए अपनी लिमोजिन मैंने पहली बार रेड लाइट पर इसलिए रुकी है क्योंकि इस टाइम पर ना गाइस हम एक बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हैं और वो भी सेलिब्रिटी बनकर, तो किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं होना चाहिए। बाकी यार ये कितनी देर की रेड लाइट है भाई। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया नजारे देख लिए और रेड लाइट जो है खत्म होगी पता भी नहीं चला। बाकी तो यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। और फाइनली गाइस हम लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें लेस्टर ने आने के लिए कहा था। तो ये जो मतलब ये जो जगह आप देख पा रहे हो ना स्पेशली लग रहा है लिमोजिन की पार्किंग के लिए बनी है। तो भी फटाफट से ना गाइस हम लोग यहीं पर उतरते हैं अपनी गाड़ी से और फटाफट ना सामने की तरफ में चलकर देखते हैं कि आखिरकार सेलिब्रिटी अभी तक आए या फिर नहीं आए। बाकी तो अभी फिलहाल वैसे ज्यादातर किसी बंदों ने हमें देखा नहीं होगा कि हम लोग इस गाड़ी से निकल कर आ रहे हैं। तो अभी जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल सामने की तरफ में सेलिब्रिटी आकर खड़े तो हो गए हैं और साथ ही उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ में है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना गाइस थोड़ा सा साइड हो जाते हैं क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो फिर सीधी सी बात है उनके बॉडीगार्ड हमें उठा के पटक देंगे। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर खड़े खड़े इतनी देर होगी लेकिन ये जो सेलिब्रिटीज है पता नहीं कहाँ पर रह गए, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ। वैसे यार वैसे लाइन से आगे जाना ना मना है बट फिर भी मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि इस टाइम पर मैं भी हैलोवीन वाला बंदा बना हुआ हूँ। ये सारे के सारे इस टाइम पर हैलोवीन का कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर रहे हैं। बट फिलहाल मैं बस ये देखने आया हूँ कि सेलिब्रिटीज कब आएंगे सामने खड़े होकर पता नहीं शायद से फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली 5 मिनट बाद इन लोगों ने आने की गुंजाइश की। चलो कोई नहीं, इन लोग को पहले आने देते हैं। बाकी यार एक सेकंड अगर ये लोग आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हमें यहाँ से जाने का टाइम नहीं मिलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सीधा गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल ले। तो उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इन लोग को अपनी गाड़ी में बैठने देते हैं। तो जहां तक मुझे पता कि वो लोग बैठ गए और अभी जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं ना वो भी फिर बाद में बैठेंगे। जल्दी 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 करो, बिल्कुल टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल लें। हमें क्या करना है, इनके बीच में अपनी गाड़ी लगा देनी है ताकि किसी को बिल्कुल भी पता ना चले। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल इन सेलिब्रिटीज के जो ड्राइवर है वो गाड़ियों में आकर तो बैठ चुके हैं और फाइनली इनकी गाड़ी भी चल चुकी है। तो भी ना गाइस बस हमें इनके पीछे पीछे निकलना है। तो फटाफट से यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर इन्हीं के साथ लेकर चलता हूँ ताकि किसी को भी हमारी शक्ल वकल देखने की जरूरत पड़े ही ना। बाकी यार एक सेकंड, इतना ज्यादा ट्रैफिक और कैसे ड्राइवर लेकर घूम रहे हैं ये सेलिब्रिटीज। बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इतनी देर से इतनी तमीज में चलाने की सोच रहा था बट आज पता चल रहा है यहाँ पर ये लोग खुद ड्राइविंग मतलब कि जो ट्रैफिक रूल्स है वही फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं किस लिए करूँ। बट अभी मेरे को इस चीज़ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस मुझे अपनी गाड़ी को एकदम तमीज में इनके पीछे पीछे लाना। और ये देखो रेड लाइट, ओ भाई साहब रेड लाइट पे भी नहीं रोक रहे लोग। चलो कोई नहीं, अभी फटाफट से इनके पीछे चलते हैं। वैसे डायमंड कैसीनो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। बाकी यार इधर तो कुछ ज्यादा ही फायर क्रैकर्स जल रहे हैं। तो भाई ये बीच में कहाँ गाड़ी लाया, हेलो ओ भाई कहाँ आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, फटाफट से मुझे अपनी गाड़ी आगे लेनी पड़ेगी वरना दिक्कत करवा देंगे। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा डायमंड कैसीनो जहाँ के नजारे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। तो जल्दी से आगे चलते हैं। बाकी इसने गाड़ी लेफ्ट में कहाँ मोड़ ली, डायमंड कैसीनो तो सीधा जाकर है, पता नहीं यार क्या सीन है क्योंकि यार वीआईपी एंट्री होनी है तो क्या पता हम लोग दूसरे रास्ते से जाएं। तो अभी जहां जहां ये चल रहे हैं मैं वहीं पर जाने वाला हूं। और वैसे ये डायमंड कैसीनो ही जा रहे हैं ना, कहीं पता चले कि गांव की साइड पर निकल लें क्योंकि ये रास्ता हाईवे पर जाता है और ये हाईवे सीधा गांव वाली साइड पर जाता है। बट ऐसा नहीं होगा यार, यहां तक आए तो सीधी सी बात है डायमंड कैसीनो ही जाएंगे और पहली बार सेलिब्रिटी है, कोई और लोग नहीं है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल अगर यहां से इसने गाड़ी अपनी लेफ्ट ली तो सीधी सी बात है ये लोग कहीं और जाने वाले हैं। वैसे यार जहां तक मुझे लगता है कहीं और नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल यार डायमंड कैसीनो के आप लोग नजारे देखो कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, चारों तरफ ऐसे रॉकेट से या फिर स्काई शॉट निकल रहे हैं ना भाई, देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइस फाइनली अपना इतना तो कंफर्म हो गया कि ये लोग डायमंड कैसीनो के लिए ही जा रहे हैं। बाकी यार आगे वाले बॉडीगार्ड ने पता नहीं अपनी गाड़ी में कौन से गाने चला रखे हैं, पता नहीं उसको ऐसे कौन से नशे हो रखे, इतनी धीरे गाड़ी चला रहे हैं भाई मैं क्या बताऊं। वैसे यार उनको सिक्योरिटी मेन मायने रखनी होती है इसीलिए वो धीरे गाड़ी चला रहा होगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी एकदम आराम आराम से आगे चलते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं सीधा डायमंड कैसीनो। बाकी यार यहां से आप लोग देखो एक और यहां से लीमो निकल कर जा रही है भाई, काफी अमीर अमीर बंदे लग रहा है यहां पर आए हुए हैं। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं और अपनी एंट्री यहीं से होने वाली है क्या, मुझे तो लग रहा था वीआईपी एंट्री होगी। अच्छा यहां से नहीं होगी शायद से, यहां से ये लोग कुछ एक्सेस वगैरह ले रहे हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर आगे वाले बॉडीगार्ड
मैंने गाड़ी से उतरकर इस जगह का वीआईपी एक्सेस ले लिया है। बाकी जो अपना डायमंड कैसीनो वाला फ्रेंड है ना गाइस, वो भी यहाँ पर आ चुका है और इसकी वजह से हम लोग भी अंदर जा सकते हैं, वो भी वीआईपी गेट से। बाकी तो अंदर जाने में बहुत टाइम लग जाता। और पीछे की तरफ में देखो गोल्डन रोल्स रॉयस खड़ी हुई है। भाई आज के दिन ना गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर अमीर बंदे आए हुए हैं, तो भी जल्दी से हमें वीआईपी गेट तक जाना है। बाकी इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, अच्छा हुआ कि हमने वीआईपी एंट्री कर ली। लेस्टर ने सही बोला था कि उस तरीके से एंट्री हो तो जाएगी बट बहुत कम चांसेस है, टाइम पर जाना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो भी जल्दी से अंदर चलते हैं भाई, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो गाइस यार बातों के चक्कर में ना वो लोग तो अपनी गाड़ियां लेकर यहाँ पर आगे चले गए, लेकिन मैं इधर ही रह गया फोटो खिंचवाने में और नजारे देखने में। वैसे यार सच्ची में काफी सारे बंदे आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सबने एकदम फेस में मास्क लगा रखा है बहुत तगड़ा हैलोवीन का, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब कि इस टाइप का फेस्टिवल यार मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। बाकी अपने साथ ये जो बंदा है ना, मतलब जो डायमंड कैसीनो वाला स्टाफ मेंबर है, तो अपने कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि ये अपनी एंट्री करवाएगा, तो हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी हमें गाड़ी एकदम तमीज में चलानी है और चारों तरफ यहाँ पर ना फोटोग्राफर्स भरे हुए हैं हमारी फोटो खींचने के लिए। वैसे जाना कहाँ पर है, वीआईपी गेट तो यही वाला था ना। ओके, तो शायद से कोई और वीआईपी गेट है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें लेफ्ट जाना। तो अभी जल्दी से यहाँ पर अपनी गाड़ी लेफ्ट मोड़ते हैं और भी फटाफट से यहाँ पर हमें अपनी गाड़ी अंदर एंटर करवानी है। उन लोगों ने तो करवा ली, हम लोग बाहर ही रह गए थे। तो अभी जल्दी से लेकर चलते सीधा इसे अंदर। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर की वजह से हमारी यहाँ पर वीआईपी एंट्री हो गई है, तो अभी जल्दी से हम लोग अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। बाकी अभी ना थोड़ी बहुत देर हम लोग सेलिब्रिटीज के साथ ही रहने वाले हैं, मतलब उनको नहीं दिखेंगे, उनके पीछे पीछे रहेंगे, ताकि आखिर जो इनके बॉडीगार्ड वगैरह है ना, उनको लगे कि हाँ भाई हम सच्ची में सेलिब्रिटी है, बस हमने फेस पर मास्क लगा रखा है। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर अपनी एंट्री हो गई है काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से। बाकी यार ये लोग भी अपना यहाँ पर उतर गए, और अंदर कब जाओगे भाई, यहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को हम लोग यहीं पर पार्क करते हैं जल्दी से, क्योंकि पार्किंग बहुत ज्यादा बढ़िया है और चारों तरफ महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी है। वो देखो लंबोगनी टायर्स हो और बहुत सही सी गाड़ियां इधर खड़ी हुई है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये लोग तो सीधा अपना अंदर के लिए निकल रहे हैं। बाकी यार अभी तक मैं गाड़ी से इसलिए नहीं उतरा हूँ क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि यार थोड़ी बहुत यहाँ पर बॉडीगार्ड होंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग तो पूरी की पूरी बॉडीगार्ड की बारात अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो भी फटाफट से ना गाइस हम लोग इनके पीछे पीछे चलते हैं सीधा पेंट हाउस के लिए। एक बार हम लोग पेंट हाउस में पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद हम लोग सीधा लेसर से कॉल कर आगे का प्लान पूछेंगे। बाकी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी मुझे नहीं मालूम था। बाकी अपने साथ साथ ये तीन दोनों तो आ ही रहे हैं, बाकी भी वो भी आएगा अपने साथ जो कि डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर वो लोग तो अपना लिफ्ट से ऊपर जा चुके हैं, बाकी जो डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है ये भी आ गया। इसने कहा था थोड़ी देर यहीं रुकना, पहले उन लोग को जाने दो, उसके बाद मेरे साथ तुम लोग चलना। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग इसके साथ जल्दी से लिफ्ट में बैठकर ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। बाकी तो पेंट हाउस में पहले भी एक दो बार आ चुका हूं, बट आज वहां पर कुछ ज्यादा सिक्योरिटी होगी और कुछ ज्यादा स्पेशल होगा, जल्दी से आ जाओ अंदर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हम सब लोग लिफ्ट में बैठकर डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर के साथ आ गए हैं सीधा पेंट हाउस में। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि चारों जो बाउंसर है गेट पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज है ना गाइस यार, वो लोग अभी अंदर चले गए हैं तैयार होने के लिए। आज रात 12 बजे उनका यहां पर शो है, तो वो लोग शो के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी जो शो है वो पेंट हाउस में नहीं, वो नीचे डायमंड कैसीनो में होने वाला है, और जब तक वो लोग नहीं जाएंगे नीचे, तब तक हम लोग भी नहीं जाने वाले, उनके साथ ही जाएंगे, ताकि जैसे शो होगा उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे, जिसमें कि मतलब सारे बंदे और सारे बॉडीगार्ड उधर ही बिजी हो जाएंगे। बाकी अभी ना फटाफट से लेस्टर को ना कॉल करके पता कर लेता हूं कि अभी हमें यहां पर क्या करना चाहिए। वैसे जहां तक है अभी तो फिलहाल वेट ही करना चाहिए। बाकी काम करते हैं फटाफट से, यहां पर प्राइवेट रूम में जाते हैं, फिर उसे कॉल करेंगे। और एक काम मेरे को और करना है, ये जो बैग है ना मेरे हिसाब से मेरे को यहीं पर रख देना चाहिए। और इधर देखो भाई पार्टी चल रही है हैलोवीन की, मतलब कि ज्यादा बंदे कॉस्ट्यूम पहनकर आए नहीं है, मुझे लग नहीं रहा था कि कम बंदे आएंगे, वैसे फिर भी आए हैं बहुत सारे। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है, और गाइस लेस्टर कह रहा है कि पहली बात तो शो 12 बजे नहीं है, शो 11 बजे है, उल्टा वो 12 बजे एंड हो जाएगा, तो तब तक के लिए तुम क्या करो वहीं पर अपना छुप कर बैठे रहो, और ये जो बैग है अपने साथ लेकर मत जाना। लेकिन इसके अंदर ना गाइस लेस्टर ने हमें एक सामान दिया है, वो हमें साथ ही रखना है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है यूटिलिटी रूम में। तो चलो यार थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग ने पिछले 3 घंटे पेंट हाउस में चिल मारा, और मेरे हिसाब से अब जो सेलिब्रिटीज है गाइस वो शो करने जा चुके होंगे, क्योंकि लेस्टर ने कहा था करेक्ट 11 बजे वो निकल जाएंगे। तो 8 बजे हम लोग यहां पर आए थे और गाइस अभी 11 बज चुके हैं, और एक सेकंड गाइस यहां पर उतरी की बॉडीगार्ड खड़े हैं। वैसे इनसे कोई डरने की बात नहीं है, इस टाइम पर डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर अपने साथ है यार। तो चलो अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने इसको बोल दिया था कि तू अपना यहीं पर बैठे रहियो, और ये जो बैग है ना इसका ध्यान रखियो, क्योंकि जो फेक स्टैचूज हैं और दोनों के दोनों वो इसी के अंदर है। और जो बाकी लेस्टर ने मेरे को एक चीज अपने साथ कैरी करने के लिए कही थी, वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, वो यूटिलिटी रूम में काम आएगी। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग एक बार चलकर देखते हैं। ओके, तो चलो भाई सेलिब्रिटीज नीचे जा चुके हैं, एक बार मैं अंदर चलकर चेक कर लेता हूं। वैसे यहीं पर उन लोगों ने कपड़े वपड़े बदले थे। चलो भाई अभी फिलहाल वो जा चुके हैं, अभी जल्दी से हम लोग भी नीचे निकल लेते हैं सीधा, बाकी तुम दोनों भी आ जाओ जल्दी से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठकर आ चुके हैं सीधा कैसीनो में, तो अभी फटाफट से चलते हैं सामने और जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ में। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि कितनी ज्यादा भीड़ है, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने वीआईपी एंट्री ले ली, वरना तो यार किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाते।
बाकी यार इनका शो भी चल रहा है और काफी सारे बंदे यहाँ पर आप लोग देखो भाई कैसे कैसे फनी फनी कॉस्ट्यूम्स पहन कर आए हुए हैं और साथ में कैप्टन अमेरिका बनकर भी आया हुआ है एक बंदा जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और भाई कैप्टन अमेरिका छोड़ो, पीछे स्पाइडरमैन और आयरन मैन भी है। वाह भाई इतने बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम कहाँ मिलते हैं भाई पता नहीं, बट जिस शॉप पर हम लोग गए थे यार वहां तो ज्यादा कुछ अच्छा मिला नहीं। बाकी यार इतनी ज्यादा भीड़ होगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और यार जिन सेलिब्रिटीज के साथ हम लोग आए हैं वो देखो सामने की तरफ में शो कर रहे हैं, काफी ज्यादा तगड़ा गिटार ले रखा है। बाकी शो में इतनी ज्यादा भीड़ है ना, लेकिन यार अभी हमें इस चीज में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। लेस्टर ने जो जो बोला हमें बस वो काम करना है। लेस्टर कह रहा है कि जल्दी जल्दी ना कुछ भी करके फटाफट से यूटिलिटी रूम में पहुंचो। बाकी इस बंदे को देखो भाई कॉस्ट्यूम पहन कर आया बंदा, पूरे के पूरे मतलब भाव में चला गया यार, वैसे ही डांस भी करने लग गया सेम जैसा कॉस्ट्यूम है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल हमें कुछ भी करके यूटिलिटी रूम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना है। रास्ते से मेरा मतलब यह है कि यूटिलिटी रूम जो है ना गाइस वो यहां से 8th फ्लोर पर है और जो लिफ्ट है वो 6th फ्लोर तक ही जाती है और जो स्टेयर्स हैं उसका कुछ अता पता नहीं है। तो अभी हमें यही नहीं मालूम कि आखिरकार यूटिलिटी रूम में हम लोग कैसे जाएंगे। वैसे लेस्टर ने बोला कि यूटिलिटी रूम में जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर जाकर ना गाइस जो वहां का एयर वेंट है उसके अंदर हमें BZ गैस स्मोक लगाना है जो कि लेस्टर ने मुझे दिया था। अब उससे क्या होगा, एयर वेंट से ना गाइस पूरे के पूरे कैसीनो में एयर आती है बाहर की और साथ में जो एयर कंडीशनर की हवा होती है वो सारी आती है, तो उसके अंदर हम BZ स्मोक गैस मिला देंगे तो जितने भी बंदे यहाँ के जितने भी बॉडी गार्ड है सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, तो हमें चोरी करने में और भी ज्यादा आसानी होगी। तो इसीलिए यूटिलिटी रूम में जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस लेस्टर ने तो कहा था कि तुम्हें सीधा हाई लिमिट के अंदर जाना है और वहां पर जाकर तुम्हें यूटिलिटी रूम तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा क्योंकि लेस्टर भी कभी डायमंड कैसीनो आया नहीं है। वैसे यार देखो सामने की तरफ में ये तो मैनेजमेंट ऑफिस है जिसके अंदर टाओ चैंग और उसकी मैनेजर है, तो इसलिए हमें वहां पर जाने कोई फायदा नहीं है। ओके तो यहां पर एक हाई लिमिट और है, तो इस वाले एक जगह के अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर यहां पर यूटिलिटी रूम है या फिर नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग डायमंड कैसीनो के स्टाफ एरिया में आ चुके हैं। बाकी तो यार आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कि पुराने कैसीनो का सामान यहां पर पड़ा हुआ है, मतलब उनकी पुरानी यादों के लिए यहां पर रखा हुआ है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं और वैसे भी मैं यहां पर कोई रोकने नहीं वाला क्योंकि इस टाइम पर यार हम भी इधर के VIP मेंबर है। बाकी यार वो देखो सामने की तरफ में स्टेयर्स का साइन बना हुआ है और इधर एक बाउंसर खड़ा हुआ है, बट कोई भी डरने की बात नहीं है, इनको पता है कि हां भाई ये लोग VIP है, सेलिब्रिटीज के साथ आए हैं। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, अच्छी बात यही होती है यार मास्क लगाने की। तो अभी फटाफट से हमें यहां पर ऊपर चलना है, अभी जल्दी से यही है सीढ़ियां तो यही है और जहां तक मुझे लगता है यही सीढ़ियां ऊपर जाने वाली है। अभी चलकर देखते हैं कहां तक जाते हैं, कौन से फ्लोर तक जाते हैं। फिलहाल ये 1st फ्लोर है और इस तरफ में भी कुछ ऑफिसेस हैं, बट अभी हमें इन ऑफिस में नहीं जाना, अभी जल्दी से चलते हैं। ये आ गया 2nd फ्लोर, इसी तरीके से हमें जाना है सीधा 8th फ्लोर पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैं भागते भागते पहुंच चुका हूं सीधा 5th फ्लोर पर। बाकी यार इस तरफ में एक सर्विस रूम है बट कोई दिक्कत की बात नहीं और आगे जाने का रास्ता बंद है। एक सेकंड यार आगे एक बारी मैं चलकर देखता हूं आखिरकार सीन क्या है, मुझे लग रहा है आगे की तरफ में गाइस स्टेयर्स है ही नहीं। तो गाइस यार मुझे पता था यार ऐसा ही कुछ होने वाला है, मतलब कि जो यहां की लिफ्ट है ना वो भी 6th फ्लोर तक है और जो यहां की स्टेयर्स है वो भी 6th फ्लोर तक है, बट अभी कोई नहीं जल्दी से हम लोग यहां से उतरते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो होगा जो कि 6th फ्लोर जाएगा। बाकी यार ये तो होटल एरिया है और सामने की तरफ में कुछ बाउंसर भी यहां पर खड़े हुए हैं, तो गाइस यार मेरे को लग रहा है ना कि यहीं से कोई ना कोई रास्ता होगा जो कि हमें ऊपर ले जाएगा। बाकी ना एक बारी थोड़ा बहुत इधर घूमकर देखते हैं, हो सकता है भाई मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, इधर काफी सारे रूम तो हैं बट अभी ना यहां पर हमें ढूंढना पड़ेगा ये स्टाफ ओनली एरिया, इसके अंदर चलकर देखते हैं। ओके तो यहां पर अपने मतलब का कुछ भी नहीं है यार, मुझे वो स्टेयर्स ना गाइस यार अभी ना कुछ भी करके ढूंढनी है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो यार ये जो होटल है ना यहां पर तो काफी सारे बाउंसर इधर उधर घूमे जा रहे हैं और अभी ना गाइस एक बंदा ना इस जगह के अंदर गया, ये देखो यहीं से बाहर निकला। मुझे पता है क्या लग रहा है कि स्टेयर्स ना गाइस यार यहीं पर है। एक सेकंड रुक जाओ, इन लोग को मेरे ऊपर शक ना होना इसलिए मैं यहां पर ऐसे खड़े हो जाता हूं, इनको बोल दूंगा मैं होटल में घूमने आया हूं, इधर कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकला हूं। भाई इधर तो कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी हो रखी है भाई। तो चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं पीछे की तरफ में। ओके काफी सारे बॉडीगार्ड है और वो उधर क्या हुआ है, अभी जल्दी से हम लोग अंदर निकल लेते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से भाग कर चलते हैं सीधा 8th फ्लोर यूटिलिटी रूम के लिए। बाकी यार देखो यहां पर दोबारा से 6th फ्लोर आ गया और उस तरफ में स्टेयर्स खत्म हो गई थी लेकिन इस तरफ में और स्टेयर्स है, तो भी जल्दी जल्दी से हमें ऊपर चलना पड़ेगा। बाकी यार उत्तरी की सामने की तरफ में गाइस यार एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर रुक गया वरना मैं CCTV फुटेज में आ जाता। अभी जल्दी से पहले तो यार तुम लोग अंदर आ जाओ, यहां पर तो कोई CCTV नहीं है ना। चलो गाइस अभी फिलहाल हम लोग सेफ हैं और इस टाइम पर मैं CCTV से दूर इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि गाइस यार देखो सीधी सी बात है अगर हम लोग CCTV में आ गए और फिर जितने भी बॉडी गार्ड है उन सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग यूटिलिटी रूम में गए थे और सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। अभी ना फिलहाल यार यूटिलिटी रूम में तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, बट ये जो कैमरा है इसे मैं डिसेबल कैसे करूंगा। वैसे यार एक सेकंड, कैमरा डिसेबल करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मान लो यार इतने सारे बंदे यहां पर आए हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक बंदे के मैं कपड़े पहन लूं और उसके कपड़े पहनकर मैं एयर वेंट में जो अपना काम करना है वो कराऊं और उसके बाद दोबारा से कपड़े बदल लूं तो फिर सब कुछ एकदम बढ़िया रहेगा, मतलब मैं दोबारा से अपने कपड़े पहन लूंगा। बाकी अच्छी बात तो है कि इस बाउंसर ने हमें कुछ नहीं कहा, मतलब यार अभी तक इनको लग रहा है कि हां भाई ये सही बंदे हैं, अच्छा हुआ कि हम लोग वापस नीचे आ गए थे वरना कहता कि वहां क्या करने के लिए जा रहे हो, बट कोई नहीं अभी जल्दी से हमें यहां पर वापस
निकलना पड़ेगा और फटाफट से कोई दूसरे कपड़े पहनकर वापस आते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग वापस आ चुके हैं, तो जल्दी से ना एक बार आगे चलते हैं। लेकिन यार कॉस्ट्यूम हमें मिलेगा कहाँ से वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, अगर किसी भी बंदे का कॉस्ट्यूम हम लोग चुराने की सोचेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बाकी भी चलकर देखते हैं क्या सीन है, क्या पता कोई ना कोई बंदा हमें मिल जाए जो कि हमें अपना कॉस्ट्यूम दे ही दे। बट यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फिलहाल मेरे दिमाग में ना गाइस एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आइडिया आ रहा है। वो पीछे की तरफ में जो आयरन मैन स्पाइडर मैन खड़े हुए हैं ना, ये लोग थोड़ा साइड में है, इनको मार के मैं इनका कॉस्ट्यूम तो ले नहीं सकता, बट मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया ये है कि इनको ना गाइस यार अपने साथ लेकर चाहते हैं बाथरूम में। इनको बोल देता हूँ कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, एक फोटो वोटो खिंचवानी है साथ में, तो इसको वहां पर लेकर चलेंगे और ले जाकर इनको कूट के इनका सूट पहन लेंगे। तो चलो अभी फिलहाल फ्रैंकलिन तू अपना यहीं पर ध्यान रखियो, हम लोग वहां से होकर आते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये दोनों हमारे साथ चलने के लिए मान गए हैं। बाकी यार फ्रैंकलिन को मैंने बोल दिया कि तू अपना यहीं पर रुक, ताकि यहाँ पर अगर कोई माहौल खराब होता है तो तुरंत हमें बता दे, हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर वहां से भाग जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि भाई इन्होंने बाथरूम में भी सीसीटीवी लगा रखे, वैसे ऐसा नहीं होता। तो चलो रवि ने जल्दी से हम लोग चलते हैं डायमंड के सीनों के बाथरूम में, जो रेस्ट रूम था ना गाइस वहीं पर हमें बस जाना है। बाकी आ रहे हो ना तुम दोनों साथ में, बेचारों को फोटो खिंचवाने के बहाने लेकर जा रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि बाथरूम में कौन फोटो खिंचवाता है। लेकिन जो भी है आज इनके ऐसे फोटो खींचेंगे भैया मजा ही आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से अभी भाग कर चल लेते हैं, क्योंकि पहले ना हमें जाकर ये चेक करना है कि आखिरकार अगर कोई ऑलरेडी रेस्ट रूम में है ना, मतलब बाथरूम में है, तो उसे वहां से बाहर निकाल लेंगे, वरना अगर वो देख लेगा तो सारा का सारा काम वहीं के वहीं खराब हो जाएगा। तो चलो यार अभी ना फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, पहले जो बंदे हैं ना गाइस उन्हें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। फिलहाल दो दो बंदे हैं, इनके जाने का पहले वेट करते हैं, फिर इनकी ऐसी की तैसी करेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ये लोग भी अपना भाग करा चुके, दो मिनट रुक जाओ बस एक बारी थोड़ा बहुत तैयार वगैरह बोले, फिर उसके बाद फोटो खिंचवाएंगे। रुक जाओ पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टिंग इन्हें कर दिखा देते हैं कि हम लोग सही में फोटो खिंचवाने आए हैं और तुम लोग कब जाओगे, वरना तुम्हें भी पीटना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना मुक्का एकदम टाइट कर लिया और ये जो बंदा है ये भी अपना यहाँ से बाहर जा रहा है। हमें इनको एक ही घूसे में मारना है, एक ही बार में मर जाना चाहिए, वरना अगर इन्होंने शोर मचा दिया तो हमें फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ जाएगी। बाकी लो भाई अभी फिलहाल दोनों के यहाँ पर एकदम रख रख के बचा दी, बेचारे बच्चे थे एक एक घुसन में गिर गए। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर ज्यादा नहीं मारना वरना खून आ जाएगा, सारे कॉस्ट्यूम गंदे हो जाएंगे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग इनके कपड़े लेकर बदल लेते हैं। बाकी तेरी ऐसी की तैसी यहाँ पर पीछे छुप के वीडियो बना रही है, लेकिन यार मैंने चेक करा था अंदर कोई भी नहीं था। वो भाई साहब ये तो वापस आ गया, एक सेकंड इससे कोई आवाज आई है। तो गाइस अभी ना इसको भी हमें कोपचे में लेना पड़ेगा, इसने सब कुछ क्योंकि देख ही लिया है। तो सर एक मिनट गेट बंद करो, अंदर अंदर चलो दो मिनट के लिए, अभी अंदर चलो तुम पहले निकलो यहाँ से। तो चलो भाई फिलहाल इसको भी ढेर कर दिया, इसने हमें देख लिया था अंदर आते हुए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवल और मैंने अपना कॉस्ट्यूम उतार कर इन लोग का जो कॉस्ट्यूम है वो पहन लिया है। बट यार अभी ना फिलहाल इन चारों की बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना अगर और कोई वॉशरूम में आ गया तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले ना इसका गेट लॉक करके इन चारों लोगों की बॉडी को ना यहाँ पर ठिकाने लगा देंगे, फिर मतलब कि अपने को इतनी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ट्रेवल और मैंने मिलकर इन चारों लोगों की बॉडी को जो है ठिकाने लगा दिया है, बस यार कोई इन्हें देखे ना वरना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम दोनों आयरन मैन और स्पाइडर मैन का सूट पहनकर ही जाने वाले हैं सीधा यूटिलिटी रूम में, वो भी सीसीटीवी कैमरे के सामने से, क्योंकि यार अभी ना हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मान लो अगर हमें कोई देख भी लेता है इन सूट्स में कि यहाँ भाई इन्हीं सूट्स वालों ने ये जो कांड है ये करा है, तो सीधी सी बात हम लोग वापस आकर अपने कपड़े बदल लेंगे और कोई भी हमें पहचान नहीं पाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा यूटिलिटी रूम के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से दोबारा हम लोग चलते हैं सीधा यूटिलिटी रूम के लिए। बाकी तो यार यहाँ पर ये जो सूट है ना मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, और ये भी बाउंसर कह रहा होगा कि यार पता नहीं ये जो जितने भी बंदे हैं कैसीनो पार्टी करने आए हैं या फिर होटल में घूमने आए हैं, बट अभी इनको लग रहा है कि हम लोग होटल में जा रहे हैं। लेकिन इन लोग को नहीं मालूम कि हमारा होटल तो फालतू का काम है, मेन काम है अपना यूटिलिटी रूम में जाना। तो चलो यार अभी ना जल्दी से ऊपर चलते हैं और यूटिलिटी रूम के एयर वेंट में फटाफट से वो जो बीजेड स्मोक है उसे लगा देते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं सीधा भागते भागते पहुंचने वाला हूँ फिफ्थ फ्लोर पर, और पहुंचने वाला नहीं हूँ मैं, पहुंच ही क्या हूँ। तो चलो यहाँ पर होटल आ गया और इसी होटल से वो जो रास्ता है जो कि जाता सीधा यूटिलिटी रूम में वो है, और इस टाइम पर ना मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली जाऊंगा यूटिलिटी रूम में, चाहे कोई भी सीसीटीवी मेरे को देखे या फिर कोई भी बॉडीगार्ड मेरे को देखे। बाकी यार यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस सीसीटीवी है, और ले भाई अच्छे से देख ले, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखा आयरन मैन आ गया, अभी फिलहाल मैं जाकर वापस से कॉस्ट्यूम बदलूंगा, इसलिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यार एक सेकंड ऊपर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं, मुझे ये नहीं पता था, बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बाहर में जाए दो दो हैं, तुम्हारी ऐसे की तैसे निकलो यहाँ से, एक को मैंने मारा और दूसरे के भी मैंने बजा दी रख के, तो निकलती रही ऐसे की तैसे। यहाँ पर सोच रहे हो यार आयरन मैन अपना घूमने फिरने आया है, बट अभी यहाँ पर मैंने इनका भूत बना दिया, चल तेरी भैंस की निकल यहाँ से। तो चलो दोनों को मैंने मार दिया, और गाइस अभी तक फिलहाल हमारे पास कोई भी गन्स नहीं थी, बट अभी फिलहाल हमारे पास गन्स भी हो चुकी है, और यार यही है यूटिलिटी रूम। तो अभी जल्दी से इसके अंदर चलते हैं और एयर वेंट हमें ढूंढना है जिसके अंदर से यहाँ पर नीचे हवा जा रही है एयर कंडीशनर की। बाकी यार ये जगह भाई मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ठंडी है, क्योंकि इधर ना ओस ओस सा कुछ नजर आ रहा है, बट यार एयर वेंट जैसा तो
कुछ भी इधर है नहीं। फिलहाल के लिए एक फायर एग्जिट है जो कि पूरी तरह से लॉक हो रखा है। एक सेकंड यार, एयर वेंट कहां पर होता है? वैसे मेरे को देखने में तो ओके, तो चलो फाइनली यहां पर एयर वेंट मिल गया। तो इसी के अंदर हमें उस चीज को लगाना है, BZ गैस स्मोक को। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना, फिलहाल एयर वेंट के अंदर ये जो BZ गैस स्मोक है इसको तो मैंने लगा दिया है, लेकिन आने वाले 20 मिनट बाद ये असर दिखाना शुरू करेगा। अब मुझे मालूम है एयर वेंट से हवा बाहर निकलती है, बट ये जो चीज है ना भाई, मतलब ये जो स्मोक है, कुछ ना कुछ करके ये अंदर पहुंच ही जाएगा। और भाई यार, ये इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि अगर किसी ने एक सेकंड के लिए भी इसे स्मेल कर लिया तो समझ लो वो 6-7 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग नीचे चलते हैं, क्योंकि अगर इस ड्रेस में किसी भी बॉडीगार्ड ने हमें देख लिया ना तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उन्होंने CCTV में देख लिया होगा कि हमने बाकी बॉडीगार्ड्स को मारा है। तो अभी जल्दी से आकर हमें कपड़े बदलने पड़ेंगे। बाकी एक सेकंड, एक तो मैं रास्ता थोड़ा बहुत कंफ्यूज आता हूं, अभी जल्दी में नीचे पहुंचना है कुछ भी करके। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग वापस से कैसीनो में आ चुके हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से हमें फ्रैंकलिन के पास जाकर उसे बताना पड़ेगा कि कैसीनो के मेन हॉल से बाहर आ जा, वरना बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग रेस्ट रूम में चलते हैं और अभी फटाफट से अपनी आउटफिट चेंज कर लेते हैं। बाकी सामने की तरफ में एक यहां पर बॉडीगार्ड पहुंच गया था जिसने यहां पर इन लोग को देख लिया था। सही टाइम पर हमने यहां पर आकर इनको मार दिया। अभी जल्दी से गाइस यार इसकी बॉडी भी हम अंदर कर देते हैं जल्दी से। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर ट्रेवर और मैंने फटाफट से अपने अपने कपड़े बदल लिए हैं। तो गाइस अभी ना जल्दी से निकल लेते हैं सीधा फ्रैंकलिन के पास, उसे जाकर बोलना पड़ेगा कि फटाफट से कैसीनो के मेन हॉल से बाहर आ जा, क्योंकि अभी ना फिलहाल अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बस थोड़ी देर में यहां पर जो चीज है ना गाइस, वो जो मतलब गैस स्मोक वाला सीन है वो स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जितने बंदे उसे स्मेल करेंगे ना, वो सारे के सारे बेहोश होने वाले हैं। वैसे कोई भी मरेगा नहीं, बट बेहोश हो जाएंगे बहुत देरी तक के लिए। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग फ्रैंकलिन को बुला कर आते हैं। पीछे की साइड में ही खड़ा हुआ था ना वो, चाहता हाँ, तो यहीं पर उसे हम लोग रोक कर गए थे। तो फिलहाल थोड़ा सा एंजॉय कर ले, भले अभी थोड़ा बहुत टाइम है। बाकी यार यहाँ पर ये देखो कितनी ज्यादा बढ़िया शॉप बना रखे डायमंड कैसीनो के अंदर, काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया हेलोवीन के आइटम भी मिल रहे हैं और साथ में बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी भी। ओ भाई सब ये क्या, गोल्डन डायमंड कैसीनो, वाओ कितने का मैडम ये। तो चलो अभी फिलहाल इससे हमें फालतू बात नहीं करनी, जल्दी घर फ्रैंकलिन, ज्यादा टाइम है, फटाफट फोन छोड़ो, सॉरी। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने फ्रैंकलिन को अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जितने भी एयर वेंट के आउट है या फिर वेंट्स जो है ना उसके अंदर से हवा निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर गैस मिली होगी, जिसकी वजह से जितने भी बंदे गाइस सारे के सारे यहाँ पर बेहोश होने वाले हैं। तो भी फटाफट से गाइस यार हम लोग यहाँ पर जो मेन हॉल है उससे बाहर निकल लेते हैं। बाकी एक बार ही ना हम लोग ढंग से खड़े होकर चेक करेंगे कि आखिरकार बंदे सही में बेहोश हो रहे हैं या फिर नहीं। वैसे यार जो लेस्टर के प्लान है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो सब लोग एक एक जगह ले लो, यहाँ पर से चुपचाप खड़े होकर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर देखते देखते बहुत ज्यादा देर हो गई है। मेरे को पता क्या लग रहा है कि बाकी बंदों को ना पता चल गया इधर कोई ना कोई गड़बड़ है, और जितने भी बाकी जो बंदे जो वहां पर खड़े होते हैं ना गाइस, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग बेहोश होने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ बंदे सही टाइम पर बचकर भाग गए, लेकिन कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। मेन है बॉडीगार्ड्स और जितनी भी भीड़ है ना उन सभी को बेहोश करना। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सामने की तरफ में जितने भी बंदे थे ना सभी ने यहाँ पर खांसना शुरू कर दिया है। ये देखो भाई सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, कुछ बंदों को ना वहां पर गड़बड़ लगी, सारे के सारे भाग कर इधर आ गए हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर बस ये सारे के सारे बेहोश होने वाले हैं, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं वरना फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ जाएगी। और एक बार ही ना गाइस बाद में आकर चेक कर लेंगे कि वो लोग बेहोश हुए या फिर नहीं। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए गाइस यार इधर ही कहीं पर चल के छुप जाते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग कोने में खड़े होकर वेट कर रहे थे सभी लोग के बेहोश हो जाने का। तो गाइस अभी ना जल्दी से चलकर देखते हैं क्या सीन है, सभी लोग बेहोश हुए या फिर नहीं हुए। वैसे यार देखो दिक्कत की बात यह है कि जो लोग वहां से बचकर भागे थे ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग बच गए हो। वैसे यार देखो सीधी सी बात है, लेस्टर ने बोला था कि अगर एक सेकंड के लिए भी किसी ने स्मेल कर लिया ना इसको अच्छे से तो वो बिल्कुल भी बचने नहीं वाला। बाकी तो यहाँ पर मतलब ये लोग मरे नहीं है, ये लोग बेहोश हो गए हैं समझ लो 5-6 घंटे के लिए। तो भी जल्दी से ना एक बार कैसीनो के मेन हॉल में चलकर मैं चेक कर लेता हूँ कि आखिरकार वो लोग बेहोश हुए या फिर नहीं हुए जितने भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं। तो भी फटाफट से सबसे पहले हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं सीधा मेन हॉल के लिए। बाकी तो यार देखो जितने भी बंदे फुल एकदम मस्ती में भाग रहे थे ना, बेचारे सारे के सारे यहाँ पर लथड़ चुके हैं। तो भी जल्दी से ना बस मेरे को मेन बंदों को चेक करना है। तो चलो गाइस यार यहाँ पर जितने भी बंदे थे सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह बिछ चुके हैं, साथ ही सेलिब्रिटीज भी बेहोश हो गए हैं। तो यार देखो क्या ही इनके साथ गलत सीन हो गया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ये जो नजारा है कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मतलब यार पहले जितने बंदे भी फुल मजे में सेलिब्रेट कर रहे थे ना वो सारे के सारे बेहोश हो चुके हैं, बट अभी सिर्फ और सिर्फ हम ही खड़े हैं। बाकी यार इस बंदे के लिए मेरे को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, बेचारा सुपरमैन बन के आया हुआ था हेलोवीन सेलिब्रेट करने, बट यहाँ पर इसके साथ क्या ही सीन हो गया। बट अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो सिक्योरिटी है या फिर जो पुलिस वाले हैं यहाँ पर आते ही होंगे, हमें जल्दी से जल्दी जो अपना काम है वो करना पड़ेगा। तो भी फटाफट से पहले चलते हैं पेंट हाउस में, वहां से अपना बैग लेकर निकल लेते हैं सीधा वॉल्ट में। बाकी यार अभी जल्दी से बैठते हैं लिफ्ट में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर ना जो खतरा है वो
स्कोप और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में बैठकर आ चुके हैं सीधा पेंट हाउस में। तो गाइस अभी ना जल्दी से चलते हैं सीधा कैसीनो के स्टाफ मेंबर के पास और उसके साथ हम लोग निकल लेते हैं सीधा कैसीनो के वॉल्ट के लिए, क्योंकि वहां पर जाने के लिए ना एक्सेस चाहिए होगा जो कि हमें सिर्फ सिर्फ यही दिला पाएगा। तो जल्दी कर यार, क्या कर रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने जो बैग है ये भी उठा लिया जिसके अंदर अपने स्टैचूस थे, इसको भी मैंने अपने साथ चलने के लिए बोल दिया है क्योंकि यार इस टाइम पर ना हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और साथ ही लेस्टर का ना मेरे को अपने ब्लूटूथ पे एक वॉइस नोट आया था, वो कह रहा अभी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी से वॉल्ट में पहुंच जाओ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ये जो लिफ्ट है चल पड़ी है सीधा नीचे के लिए और इस टाइम पर हम लोग जाने वाले हैं सीधा डायमंड कैसीनो की बेसमेंट में, जहां पर से हमें उस स्टैचू को चुरा कर यहां से निकलना है। बाकी जो डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है ना गाइस ये कह रहा है कि इसको भी बस यहीं तक का एक्सेस है, इसके आगे वॉल्ट में जाना इसको भी मना है, मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। तो ये कह रहा है कि आगे काम तुम सबको खुद करना पड़ेगा। तो चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रेवर फ्रैंकलिन जल्दी से रेडी हो जाओ, टाइम आ चुका है यहां पर खतरनाक फाइट का। मुझे मालूम है कि अपने पास अच्छे वेपन्स नहीं है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे अपनी लिफ्ट पहुंचेगी वैसी तबाही मचाएंगे। लिफ्ट यहां पर पहुंच चुकी है, बाकी तो आगे की तरफ में काफी सारे बंदे हैं बट कोई नहीं, अभी फिलहाल इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बाकी ये क्या भाई, ये क्या ऑटोमेटिक रोबोट्स लगे हुए इधर, बट कोई नहीं अभी फिलहाल इन सबको तो मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूं। ये कुछ यहां पर अजीब सी चीज निकली, ओके तो ये बंदा ना गाइस यहां पर हमारे ऊपर कुछ फ्लेयर टाइप मार रहा है, ये क्या चीज है, इससे तो बंदा ही जल जाएगा ऐसा लग रहा है। पीछे हो जाओ भाई, ये ना कुछ अलग सी गैस है, इससे मेरे को दूर जाना पड़ेगा। भाई भाई साहब मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है, वरना मैं थोड़ा बहुत सोच समझ कर आता, बट यार कोई नहीं। अभी फिलहाल ना यहाँ पर हमें डायमंड कैसीनो के स्टाफ मेंबर ने बोला था कि तुम्हें ना सीधा पीछे वाले रूम में जाना है और वहां पर जाकर ना एक बटन दबाना है। उस बटन को दबाने से क्या होगा कि ये जो इधर वाले डोर है ना गाइस ये परमानेंटली लॉक्ड हो जाएंगे, और उस डोर से क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब कि ये जो एरिया है ना, ये जो आप रास्ता देख पा रहे हो, ये एक टाइप से टनल है यहाँ से बाहर जाने की, जहां से बाहर की पुलिस वगैरह आ सकती है। तो हमें ना क्या करना है, इस टनल को ना परमानेंटली बंद करना पड़ेगा इस वाले बटन के थ्रू। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पर मैं इन सभी को मार देता हूँ, और एक सेकंड रुक जाओ, ये एक बंदा यहाँ पर और बचा तो निकल यहाँ से। तो चलो अभी ना फिलहाल ये वाला जो बटन है मेरे को दबाना है। चलो अभी फिलहाल ये वाला बटन मैंने दबा दिया है, और गाइस अब ये वाला जो डोर है ना ये परमानेंटली लॉक्ड हो जाएगा, और इस वाले टनल से ना बाहर से कोई भी मिलिट्री, कोई भी पुलिस, कोई भी नहीं आ पाएगी। यानी कि डायमंड कैसीनो के अंदर बस अब हम ही हैं। बाकी यहाँ ये बात है कि ऊपर से बंदे आ सकते हैं बट लिफ्ट से आएंगे तो उन्हें मतलब कि आने में बहुत टाइम लग जाएगा। बाकी चलो अभी फिलहाल यहाँ पर तो अच्छे से हमने काम कर दिया है, बाकी एक बार मैं डोर चेक कर लेता हूँ खुला है या फिर नहीं। वैसे तो यार यहाँ पर ट्रेवर फ्रैंकलिन ने भी बहुत ही बढ़िया काम करा, और साथ ही इसको भी गन मिल गई थी, इसने भी रेल बना दी। थोड़ा बहुत ख्याल रखना, अभी यहाँ पर अपना काम हुआ नहीं है। बाकी वाला जो डोर है ना गाइस इस टाइम पर परमानेंटली लॉक्ड हो चुका है, और सामने से वो देखो एक बंदा भागकर बाहर चला गया था। चल कोई नहीं, तू अपना बाहर ही रहे, बेचारा भागकर अंदर क्यों आ रहा है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो चलो यार अभी ना जल्दी से यहां से नीचे चलते हैं। बाकी इनमें से ना काफी सारे बंदों के पास बढ़िया बढ़िया वेपन थे, तो शॉटगन वगैरह ले लेते हैं बढ़िया रहेगा। अभी अपने पास AK-47 हो चुकी है, बस इसकी बुलेट बहुत कम है अपने पास, बाकी शॉटगन है पर इसकी भी 8 ही बुलेट है। तो अभी बहुत ज्यादा संभल कर आना, क्योंकि अब जो रास्ता है ना वो सीधा जाने वाला है वॉल्ट, और वहां पर है असली सिक्योरिटी। तो देख लो भाई आखिरी बार पूछ रहा हूँ, रेडी होना तीनों के तीनों, क्योंकि अपने पास ना गाइस यार अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी जल्दी से हमें चलना है यहाँ से नीचे, क्योंकि कुछ नहीं मालूम नीचे कितनी सिक्योरिटी होगी, क्योंकि जो मेन वॉल्ट का रास्ता है जहाँ पर वो स्टैचू है गाइस वो यही है। अगर हमने अभी थोड़ी सी भी गलती करी ना तो फिर बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करता हूँ, AK-47 में भले ही एमो कम है लेकिन अपनी AK-47 निकाल लेता हूँ, क्योंकि अपनी पहले बहुत खतरनाक फाइट होने वाली है। बाकी आगे की तरफ एक बंदा ये रहा, इसकी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। तो चलो वापस अंदर चलो भाई साहब, काफी सारे बंदे आगे तो सोच समझ के जाना पड़ेगा। रुक जा ड्राइवर, भाई सभी ड्राइवर पहले भाग कर जा रहा है। चलो कोई नहीं, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो चलो अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन सबको बहुत ही बुरी तरह मारना पड़ेगा। भाई सब काफी सारे बंदे, रुक जाओ अभी कोई भी नहीं बचेगा इनमें से। भाई एक मिनट रुको, इस तरीके से गड़बड़ हो जाएगी, शॉटगन निकाल के फोड़ना पड़ेगा इनको। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इनकी तो रेल बना दिया, बाकी आगे काफी सारे बंदे हैं, इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। अगर इस तरीके से फाइट लेंगे ना तो गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऑलरेडी इतनी ज्यादा गोलियां पड़ गई है, बाकी फ्रैंकलिन ट्रेवर ने भी रेल बना दी। तो गाइस अभी ना फिलहाल आगे से भी काफी सारे बंदे भाग भाग कर आ रहे हैं, और एक तो ना इन सभी के पास बहुत तगड़ी हेलमेट वेस्ट है, मतलब कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनके सिर्फ हेड पर ही गोली मारूं, बट यहाँ पर ये लोग बहुत ही बुरी तरह मार रहे हैं। और यार इस टाइम पर ना ट्रेवर भाई बहुत ज्यादा खतरनाक ही हो रखा है। सामने की तरफ में भी बंदा था, बाकी इसकी भी मैंने बचाई। रुक जाओ, इधर से फाइट नहीं लेनी, जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं, वहीं पर चलकर इनको मारेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी यार मुझे पता नहीं था कि इतने ज्यादा बंदे होंगे, वरना थोड़ी ना एक बढ़िया सी प्लानिंग कर यहाँ पर आते। ओ भाई सब सारे के सारे शीशे तोड़ डाले। एक सेकंड, यहाँ पर कोई तो बंदा जो कि मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट को, ये रहा, इधर आते ही ऐसी की तैसी निकल यहाँ से। अभी जल्दी से यहीं पर छुपता हूँ पहले तो थोड़ी देर के लिए। भाई एक काम करता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर ले लूँ क्या? नहीं, ये तो यार वाटर वाला है, इससे कोई फायदा नहीं है। मेरे को लग रहा था CO2 वाला होगा ना, तो बंदों को सुंघा के उन्हें हम बेहोश कर सकते हैं। बाकी तो कोई नहीं, अभी यहाँ पर जो डायमंड कैसीनो का स्टाफ मेंबर है ना ये कह रहा है कि
गाइस आगे की तरफ में जो डोर है ना उसको भी खोलने का बटन जो है अंदर वाले रूम में है। तो अभी ना बस हमें वहां पर जाना है, तो अभी जल्दी से हम लोग उस साइड पर चलने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ पर एक सेकंड रुक जाओ भाई, काफी सारे बंदे अंदर वाले रूम में भी है, निकलो यहाँ से भाई साहब। यहाँ पर मेन जगह की सिक्योरिटी पर चार चार बंदे बैठे हुए हैं, तो चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल इसको मैंने मार दिया। एक बंदा यहाँ पर हो रहा है, इसको भी लपेट डाला। बाकी यहाँ पर जितने भी सीसीटीवी है ना गाइस सारे के सारे बंद कर डालो फटाफट से। चलो भाई सारे के सारे मैंने सीसीटीवी बंद कर दिए, जितने भी मॉनिटर गाइस सारे के सारे मैं बंद कर दूंगा, ताकि जितने भी बंदे यहाँ पर से कैमरे का एक्सेस ले पा रहे हैं फिर जो भी पुलिस वाले हैं वो कैमरे का एक्सेस ना ले पाए। बाकी बाहर काफी सारे बंदे हैं, एक तो ये बुलेट प्रूफ ग्लास है ना, तो हमें पहले बाहर निकल के इन्हीं को मारना पड़ेगा। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको मार दिया, एक बंदा और। ओ नहीं 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 एक सेकंड, इसका गाइस यार बहुत हो गया, निकल यहाँ से तेरी भैंस की डंग, बहुत चौड़ा होगा ना। तो चलो अभी फिलहाल रख रख के इसकी गोलियां बजा दिया है, इतना तगड़ा हेलमेट ये लोग पहन कर आया है भाई क्या बताऊं। बाकी यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर सब में से धुआं निकल गया, इन सबको भी बंद कर डालूंगा, एक भी कंप्यूटर अभी नहीं चलना चाहिए। बाकी यार उस तरफ में तो मेरे को बटन मिल गया था, बट यार इधर का बटन किधर है यार, एक सेकंड बटन ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलो गाइस यार फाइनली पूरे के पूरे रूम में ढूंढने के बाद ये जो बटन है मैं मिल गया, मतलब यार इसके ऊपर ना इन लोगों ने बुक्स रखी हुई थी और बुक्स हटाते ये वाला जो बटन है मैं मिल गया, जो कि हमने दबा दिया है। तो गाइस अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं। बाकी आगे की तरफ से ना काफी सारे बंदे आ रहे हैं, पहले भागो, पहले चोरी ज्यादा जरूरी है। अभी गाइस ये जो डोर है ना भाई ये नहीं खुलता अगर हमें ये बटन नहीं मिलता, तो जल्दी से भाग कर आ जाओ, क्योंकि गाइस यार ये जो जगह आप देख पा रहे हो ना इसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है वो जो स्टैचू है उसके चुराने पे। बट जब तक हम लोग स्टैचू नहीं चुराएंगे तब तक यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला, और इसीलिए हम लोग यहां पर फेक स्टैचू लेकर आए हैं, ताकि जैसे हम रियल वाला चुराएं नकली वाला रख दे। बाकी यार मेरे को पता है क्या लग रहा है कि इस टाइम पर ना वो तीनों के तीनों पीछे ही रह गए हैं, अभी जल्दी आओ यार, वैसे भी बिल्कुल टाइम नहीं है। तो फटाफट से भाग कर आ जाओ भाई साहब, पीछे की तरफ में काफी सारे बंदे गाइस यार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन यार इन लोग को तो मैं बहुत बुरी तरह मारूंगा, पूरी AK-47 रख कर बजा रहा हूं, तब जाकर मर रहे, निकल यहां से। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर इसको भी मार दिया, बाकी भी फिलहाल आगे। ओके तो गाइस यार यहां से ना भी कंटीन्यूअसली एक बाद एक बंदे आने वाले हैं, क्योंकि जो मेन गेट है ना जहां से पुलिस वालों की गाड़ियां नहीं आ पाएंगी वो गेट तो हमने बंद कर दिया और उसे कोई भी नहीं खोल सकता, बट जो ऊपर का डायमंड कैसीनो वाला रास्ता है जहां से हम लोग खुद आए हैं वहां से पुलिस वाले आ पाएंगे, बट ज्यादा नहीं, सीढ़ियां उतर उतर आएंगे तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैं इन लोग के आने का इंतजार कर रहा था, तो चलो यार अभी ना जल्दी से वाला गेट ओपन करते हैं। बाकी यार सामने की तरफ में आप लोग देख पा रहे हो काफी सारे बंदे हैं और उनके पास जो गन है बहुत ज्यादा तगड़ी है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, वो जो फायर कर रहे हैं अलग ही चीज है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। गेट खोलते इस बार ना सीधा उसके स्प्रे बजाऊंगा। बाकी ये यहां का बंदा था जो कि भाग कर आ रहा था, तो फिलहाल इसको मैंने मार दिया। बाकी दोबारा से गेट खोलते ये भी डाउन हो चुका है, लेकिन ये वाला बचा हुआ है। तो चलो अभी फिलहाल यहां पर ये भाई साहब इतने ज्यादा तगड़े कपड़े पहनकर बैठे हुए थे, कपड़े तो नहीं है इसको हम बहुत तगड़ा आर्मर सूट कह सकते हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो सारे के सारे मर गए। बट ये वाला जो गेट है ये कैसे खुलेगा, इसका भी कोई ना कोई बटन यहां पर होगा। तो चलो अभी जल्दी से ना बटन दबा के ये वाला गेट भी खोल लेते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली यहां पर ये जो कैसीनो के वोल्ट का जो मेरे को बटन है वो भी मिल गया, और ये वाला मैंने बटन तो प्रेस कर दिया है बट अभी तक गेट जो है नहीं खुला है। तो चलो गाइस यार फाइनली ये जो गेट है ऑटोमेटिकली खुल गया है, तो जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इधर कितना ज्यादा कैश पड़ा हुआ है, पर अभी अपने को कैश नहीं, अपने को मेन स्टैचू चाहिए। तो ये देखो गाइस यही है वो गोल्डन टाइगर और साथ में यही है वो डायमंड स्टैचू जिसको हम लोग यहां पर लेने के लिए आए हैं। तो चलो यार अभी जल्दी से इसको तोड़कर निकाल लेते हैं। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर चारों तरफ देख पा रहे हो गोल्ड और कैश से पूरा का पूरा डायमंड कैसीनो का जो वोल्ट है वो भरा पड़ा है। बाकी यार इस साइड पर ना मेरे को कुछ डायमंड्स भी दिखे थे, तो यार ये सब कुछ तो लेकर हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि अपने पास इतने सारे बैग्स भी नहीं है और हमें इस टाइम पर ना मेन फाइट लेनी है। अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये स्टैचूज हैं, तो भी जल्दी से यहां पर इस ग्लास को तोड़कर इन्हें बाहर निकालते हैं। और जैसे ही मैं इसे बाहर निकालूंगा यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें फेक स्टैचू अंदर डालना है। बाकी भी जल्दी से जो काम है करते हैं और फटाफट से इसे लेकर निकल लेते हैं। और शायद से जो ब्लू वाले हैं सेंसर ही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इसे तोड़ें और अपने दूर से करंट लग जाए, तो मैं इसे ना थोड़ा बहुत दूर जाके तोड़ने वाला हूं, ठीक है, अपनी गन से ही तोड़ देंगे। बस स्टैचू पर बुलेट नहीं लगनी चाहिए फ्रैंकलिन साइड टुवर्ड। तो चलो अभी जल्दी से यहां पर मैं बुलेट मारता हूं। तो वैसे यार अभी मैंने एक बुलेट तो इधर मार दिया, बट इसके अंदर मेरे को कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मेरे को डर बहुत ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये ना कुछ एकदम अजीब सी मशीन है। इसके ऊपर यहां पर आप लोग देखो एक ना अलार्म टाइप भी कुछ लगा हुआ है, तो इसीलिए मेरे को वैसे थोड़ा बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो एक बुलेट और मार कर देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो यहां पर बस स्टैचू पे नहीं लगनी चाहिए। तो चलो एक बुलेट मैंने और मार दी, एक बुलेट और आराम से मारते हैं। और ये जो ग्लास है गाइस यार यहां पर मैंने फाइनली तोड़ दिया है। तो चलो भाई अभी जितने भी सेंसर हैं वो तो उनको मतलब कि पता चल जाएगा जैसे हम लोग स्टैचू निकालेंगे। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। बाकी इस तरफ का जो ग्लास है गाइस ये भी तोड़ना, बस बस इतना बहुत है भाई, अभी ज्यादा कुछ सीन नहीं करना। और मैं बुलेट ना गाइस काफी ज्यादा सोच समझ के मार रहा हूं कि अगर इधर लगे तो इस साइड पर निकल जाए। तो चलो भाई फाइनली स्टैचू जो है नजर आ गए हैं, अभी जल्दी से उन्हें उठाकर अपने बैग में डालते हैं और फेक वाले डाल देते हैं इसके अंदर। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो
ना फिलहाल मैंने एंशियंट गोल्डन पैंथर को जो है इस जगह से निकाल लिया है। बाकी यार वो देखो सामने की तरफ में जो पूरा का पूरा रास्ता था उस जगह पर यहाँ पर ना गाइस यार इस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, मतलब कि अगर हम लोग इसको चुरा कर यहाँ से निकलते हैं तो हम करंट लगकर मर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक। मतलब कि यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता ही नहीं बचता है। तो चलो यार, यानी कि जो लेस्टर ने हमें प्लानिंग बताई थी भाई वो सच्ची में बहुत ज्यादा तगड़ी थी, इसीलिए यहाँ पर मैं जितने भी स्टैचूज थे उनके फेक मॉडल्स बनवा कर लाया था। तो भी फटाफट से ना गाइस इनको यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बंद होती है या फिर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सेंसर्स है ना गाइस ये बहुत ज्यादा तगड़े हो, पता चला कि फेक को भी पहचान ले कि हाँ भाई ये नकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बंद होगी। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर इन लोग को देख पा रहे हो भाई, सब गोल्ड वोल्ड बटोरने में लग गए, तो सारे के सारे तीनों के तीनों यहाँ पर बैग लेकर आए हुए हैं और सारा का सारा पैसा वैसा चुराने में लगे। लेकिन कोई नहीं, अभी जो अपना मेन काम है वो पहले करना जरूरी है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो रियल स्टैचूज थे उसे उठाकर मैंने अपने बैग में डाल लिया है और जो बाकी फेक स्टैचूज थे उसे मैंने एकदम एग्जैक्ट वैसे ही रख दिया है जैसे रियल वाले स्टैचूज रखे हुए थे। बाकी जो सेंसर्स है ना अभी उनको लग रहा है कि यहाँ से कोई भी स्टैचू चोरी नहीं हुआ है। बाकी यार इन तीनों ने ना इस टाइम पर जितना भी गोल्ड जितना भी डायमंड जितना भी कैश था ना जितना इनसे हो सका सारा का सारा लूट लिया। बाकी वो देखो सामने की तरफ में ना गाइस काफी सारी सिक्योरिटी आ गई है, अभी ना फिलहाल ये हम पर एम करके इसलिए बैठी हुई है क्योंकि ये जो ग्लास है ना इसके उस पार से कुछ भी नजर नहीं आता पर इधर की साइड से ना उस साइड का पूरा नजर आता है। तो गाइस अभी ना जल्दी से आगे चलते हैं। बाकी ना अभी इनको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं मालूम, बट इनको ये नहीं पता कि हमें सब कुछ इधर से नजर आ रहा है। जैसे ही गेट खुलेगा ना वैसे इसके मथे पे AK-47 बजा दूंगा, रुक जाओ बस गेट खुलने दो, ये बंदा तो मेरे से बहुत ही बुरी तरह मरने वाला। तेरी भैंस की रंग निकल यहां से। ओ भाई साहब, तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कितने सारे बंदे आ गए हैं और गाइस यार इस टाइम पर ना ये जो बुलेट प्रूफ ग्लास है ना इसकी वजह से अभी तक हम जिंदा है, वरना तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि यार ये जो बंदे ना बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहे हैं। यार कितनी गोलियां मार रहा हूं फिर भी उठ उठ के लड़े जा रहे हैं वो, देखो इस बंदे के मैं 3 बार बजा चुका हूं, बाकी मैं इसकी टांगों पे मारूंगा ताकि खड़ा भी ना हो पाए। और भाई गेट मत खुलना क्योंकि अगर ये गेट खुल गया ना तो सीधी सी बात है हम नहीं बचने वाले, इन लोग को बस अंदर नहीं आने देना, एक एक करके सबको मारूंगा। और मेरे पास ना भी गाइस यार ग्रेनेड वगैरह भी नहीं है, वरना तो फिलहाल मैं इनको मार ही देता। तो बाकी यार अभी ना फिलहाल तुम दोनों यहीं पर बस छुप कर बैठे रहो क्योंकि यार अभी ना फिलहाल इनके पास कोई भी अच्छी गन नहीं है, सारे के सारे पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। बाकी यार एक सेकंड, इनके पास जो गन थी ना गाइस यार इन्हीं की गन उठा के इनके मारता हूं। बाकी फिलहाल यहां पर इनसे इनकी गन तो मेरे को मिल गई है, बट यार दिक्कत की बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एमओ है। तो चलो यार चलो इस गन को ट्राई करते हैं और देखते हैं आखिरकार ये गन कैसे है। तो लो भाई साहब, ओ भाई ये गन तो बहुत ज्यादा गजब की है, बट यार अभी ना फिलहाल इसकी एक ही बुलेट थी इसलिए मैं इसे और नहीं चला सकता। बाकी फिलहाल इनको मार करना गाइस यार अभी यहां से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर इन लोग का बहुत हो गया, अब हमारी बारी है इन लोग का मुंह तोड़ने की। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि इनके एमओ खत्म हो, लेकिन यार ये लोग ना लेजर गन लेकर आ रखे हैं जो कि यार बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट अब मैं दिखाता हूं इनको M249 की पावर, जितने भी बंदे गए सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह मरने वाले। लो भाई तुम्हारी ऐसी दशा, छुप कर बैठे हो ना बाहर निकलो। यार ये तो गिरने के बाद भी उठ के मारे हो, एक सेकंड ये तो अपनी रीलोड लगी। AK-47 में ज्यादा एमो नहीं है, बट जो भी है इनका हेलमेट उतर गया, अब तो ये ज्यादा कुछ हमारा नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाकी निकलो यहाँ से, अभी एक काम करता हूँ शॉटगन निकालता हूँ, इसके अंदर भी 2 बुलेट बची है। तो चलो अभी मैदान पूरा साफ कर दिया, एक बंदा और बचा हुआ है। तो चलो गाइस यार फाइनली सारे बंदे मार दिए, लेकिन सामने से गाइस यार और बंदे भाग कर आ रहे हैं, अभी जल्दी से अंदर भागना पड़ेगा फटाफट फटाफट। एक काम करो, ओके तो ट्रेवर ने उसको डाउन कर दिया, चलो यार बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी आओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसको और मारना। भाई साहब कितनी ज्यादा यार यहाँ तो एक के बाद एक बंदे आ रहे हैं, इतनी ज्यादा लाशें बिछा दी भाई, सही टाइम पर मैं M249 लेकर बाहर निकल गया। बाकी अभी आगे की तरफ में ना एक बंदा और है जो कि छुप कर बैठा हुआ है, बड़ी देर से निकल। बाकी ये देखो एक बंदे को मारता हूं ना बार बार उठ के लड़ेंगे तो कितनी जान है इनके अंदर। एक और गोली मार दी, दिखा भाई कितनी जान, एक और खा दोबार से उठ के लड़ेगा। यार इतनी ज्यादा ताकत कहां से आ रही है इनके अंदर, मतलब ताकत इतनी नहीं है, जो आर्मर पहन के घूम रहे हैं ना भाई इनको बुलेट्स का असर ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मतलब आर्मर के अंदर भी इन्होंने आर्मर पहन रखे हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते सीधा बाहर की तरफ में आ गया हूं और सामने की तरफ में काफी सारे और भी सोल्जर्स आ गए हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं इनको तो मैं बहुत ही बुरी तरह मारूंगा। बट अभी ना जल्दी से अपनी M249 एक बारी में और रीलोड कर देता हूं। बाकी पीछे की तरफ में ट्रेवर फ्रैंकलिन भी है तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी यार इस टाइम पर ना ये लोग अपना फुल एकदम मिनी गन वगैरह लेकर आ रहे हैं। बाकी तो ये देखो ये बंदा एकदम फुल स्पीड में भागता हुआ आ रहा था चाकू मारने के लिए, तेरी ऐसी की तैसी सारी गोली इसी पे बचा डालूंगा। तो चलो कोई नहीं जल्दी से रीलोड करते हैं, सामने की तरफ में एक बंदा हो रहा है इसको मारते हैं। और ये देखो ये बंदा था इतनी देर से मिनी गन लेकर बैठा हुआ था, तो चलो अभी फिलहाल यहां पर मैंने इसको मार के भी इसकी रेल बना दिया है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर जितने बंदे थे सबकी यहां पर हमने लाशें बिछा दिया है। अभी ना गाइस जल्दी से ना एक बारी मैं लेस्टर को कॉल कर देता हूं कि वो जो टनल है उसका गेट वो जल्दी से फोड़ दे। बाकी यार उस तरफ से और भी काफी सारे बंदे आ गए थे, एरिया ऐसी की तैसी बहुत तेज भागता हुआ आ रहा था। बाकी इसको मैंने मार दिया, लेकिन यार इधर एक नहीं काफी सारे बंदे आ रहे हैं, अभी जल्दी से मेरे को भाग करना, सबसे पहले कवर लेना पड़ेगा। आगे की तरफ में फ्रैंकलिन ट्रेवर ने भी कवर ले लिया, एक मिनट रुको अब मैं इनका भूत बनाऊंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी
बहुत ज्यादा तगड़ी जगह पर मैं जाकर बैठ गया हूँ। अभी इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला यार, इनका ना कुछ ज्यादा ही सीन हो रहा है। अभी जल्दी से रिलोड करते हैं भाई, मतलब एक के बाद एक ना गाइस यार ये आते रहेंगे। हमें सबसे पहले ना यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेस्टर से ना पता करना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ का माहौल क्या है। अगर माहौल बढ़िया होगा हम लोग मेन गेट से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वहां से हमें गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी हम लोग निकल लेंगे। बट ये देखो ये बंदा भाग कर कहां पर जा रहा है, और अब मैं इसको बताता हूँ। चल तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, बाकी पीछे से तो यार अभी और बंदे आ जाएंगे, इसको मेरे को पहले मारना पड़ेगा। निकल यहाँ से, तो चलो इसको भी मैंने मार दिया। अभी फटाफट से यहाँ से निकल दे, ये मर गया ना, चलो ठीक है। अभी ये भी मर गया, जल्दी से ना छुप के मैं करता हूँ कॉल सीधा लेस्टर को। तो चलो गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो गई है। उसने ना हमें एक अननोन नंबर दे रखा है, और साथ में एक ना ऐसा मोबाइल दे रखा है कि जिससे किसी की भी लोकेशन ट्रेस नहीं होगी, इसीलिए इस टाइम पर हम लोग अपना दूसरा मोबाइल लेकर आए हुए हैं। बाकी अभी ना लेस्टर से बात हो गई है, और लेस्टर कह रहा है कि तुम अभी जहां पर हो ना वहीं पर रुके रहो। मतलब जो टनल उसने बनाई है ना उसको डायमंड कैसीनो से अटैच तो कर दिया था, बट उस जो डायमंड कैसीनो की वॉल है ना वो नहीं खोली थी। इससे क्या होता कि यहाँ के जो बंदे हैं उन्हें पता चल जाता। अभी लेस्टर कह रहा है कि बस वो ना थोड़ी देर में एक बॉम्ब ब्लास्ट करेगा, आवाज आते ही तुम सामने वाले रूम में आ जाना। तो यही वाला वो रूम है जिसकी लेस्टर बात कर रहा है। तो अभी थोड़ी देर यहीं पर वेट करते हैं, और फिर उसके बाद जब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा यानी टनल खुल जाएगी तब चलेंगे। तो गाइस लेस्टर तो कह रहा था कि एक मिनट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन अभी 40-50 सेकंड हो गए। चलो 10 तक का काउंट डाउन करते हैं। उत्तरी किलो काउंट डाउन करने ही जा रहे थे और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बाकी तो यार ये क्या हो गया, इतना धुआं कहां से आ रहा है भाई, कौन सा बॉम्ब लगा रखा था लेस्टर ने। तो चलो यार अभी ना जल्दी से निकलते हैं सीधा इस जगह से बाहर। बाकी यार लेस्टर का जो प्लान है हमेशा की तरह आज भी एकदम परफेक्ट गया। तो चलो अभी यहां से बाहर निकलते हैं। बाकी तो यार देखो इधर क्या ही बुरा हाल हो गया, और वो खड़ा लेस्टर और इसने पूरी की पूरी वॉल तोड़ डाली। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं। टनल देखने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम चारों लोग टनल से बाहर आ चुके हैं। बाकी यार देखो लेस्टर के प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम एकदम बढ़िया तरीके से हो गया, लेकिन अभी एक काम रह गया और वो काम है ये। तो चल तेरी ऐसी की तैसी निकल यहां से। तो गाइस यार ये जो बंदा है इसको मारना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी चीज प्लान में थी लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताई थी। और इसको मारना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आखिरकार ये अपनी टीम का बंदा नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे भरोसा नहीं कर सकते चाहे इसने अपना कितना भी साथ दिया हो, क्योंकि यार इस पे भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसने मास्क भी नहीं लगा रखा था, तो हो सकता है कि बहुत से बॉडीगार्ड या फिर बहुत से कैमरा में आ गया होगा, और बाद में अगर इसे मिलिट्री या फिर पुलिस पकड़ती है तो सीधी सी बात है ये हमारा नाम उन्हें बता सकता है, क्योंकि इसने मैं बिना फेस मास्क के भी देखा हुआ था। तो चलो यार कोई नहीं, अभी जल्दी से इस टनल से एग्जिट करते हैं और फटाफट से एकदम आराम से शांति से हम लोग यहां से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर हम चार लोग सीधा टनल से बाहर आ चुके हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर लेस्टर ने हमारे लिए बाइक्स का भी जुगाड़ कर रखा हुआ है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग अपनी बाइक्स पर बैठकर यहां से निकल लेते हैं। बाकी यार आपको तो पता ही है कि अभी हमने कितना ज्यादा गलत सीन कर दिया है, और किसी को पता भी नहीं चलने वाला कि हम लोग कब आए, कहां से आए, कहां से निकल गए। बट हां उनको ये बाद में पता चल जाएगा जब लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना कि ये लोग कहां से निकले, तो उन्हें पता चलेगा कि आखिरकार इन्होंने टनल बनाई थी। बट अभी फिलहाल हम लोग पूरे के पूरे सेफ है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी बाइक लेकर हम लोग यहां से निकल लेते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल फ्रैंकलिन तो फुल स्पीड में भगाता भगाता हमसे आगे निकल गया, बाकी हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से मैं भी अपनी बाइक को यहां से बाहर लेकर चलता हूं। तो बस यहां से एकदम सीधा ले जाना है, आगे एक मेट्रो स्टेशन आएगा, मतलब क्या जो टनल है ना बार बार यहां पर आना जाना अपना लगे रहता है, तो ये टनल तो भैया मेरे को पूरी अच्छे से याद हो गई है। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग यहां से बाहर निकल जाते हैं। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग भी अपनी बाइक लेकर यहां से बाहर पहुंच चुके हैं। फिलहाल सामने इधर में पुलिस कहां से आ गई, भागो भागो भागो। अभी फिलहाल वो लोग तो अपनी बाइक लेकर निकल गए, जल्दी से मैं भी अपनी बाइक लेकर निकल जाता हूं। भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि पुलिस वाले आखिरकार आए कहां से। अभी फटाफट से तेज तेज चला ले भाई, यहां पर फिलहाल लेस्टर के पास मेरे को लग रहा है गन नहीं है, बट इसको भी मैं अपनी गन दूंगा तो ये रख रख के बजाएगा। अभी हमें जल्दी जल्दी से भागना पड़ेगा क्योंकि पीछे की तरफ में काफी सारे पुलिस वाले यहां पर आ गए हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने अपनी गन जो है इस टाइम पर लेस्टर को दे दिया। बाकी तो यार आप लोग यहां पर देख पा रहे हो किस टाइप से पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं। बाकी बिना फिलहाल यहां पर उन लोग को तो चारों तरफ से घेर, रुक जाओ अभी मैं तुम लोग को बचा के जाने वाला हूं। फिलहाल यहां पर जितने भी पुलिस वाले ना उनका मत्था फोड़ना ही पड़ेगा, तभी यहां पर अपने साथ निकल पाएंगे। बाकी आगे की तरफ से भी काफी सारे आ गए हैं, तो चलो अभी फिलहाल इनको भी मार दिया। जल्दी जल्दी भगा लो भाई, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पीछे की तरफ से हेलीकॉप्टर है जो कि हमें बहुत बुरी तरह मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी गाइस यार ये जो फाइट है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, पीछे की तरफ में काफी सारे पुलिस वाले हमारे पास आ रहे हैं, बट अभी ना हम लोग बचकर फुल स्पीड में भागने वाले हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर हम लोग अपनी बाइक्स को भगाते भगाते पहुंच चुके हैं सीधा हाईवे पर। बाकी तो आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कितने ज्यादा पुलिस वाले आ गए हैं, और इस टाइम पर ना गाइस यार फ्रैंकलिन ने तो फुल स्पीड में अपनी बाइक भगा ली है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, वो लोग हमसे ज्यादा आगे नहीं गए हैं, अपनी स्पीड भी इस टाइम पर कुछ कम नहीं है। बाकी मेरे को लग रहा है ओके तो वो पुलिस वाला था, ओ शिट भाई सही टाइम पर यार मैंने देखा नहीं आगे, और अपनी बाइक बहुत ही बुरी तरह आकर ठुक गई है। बाकी आगे से इन लोग को भी रोक लेते हैं, भैंस की मारो ना इन्हें, जल्दी से आगे हो भाई, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर मैं अपनी बाइक को एकदम फुल स्पीड में भगाता भगाता पहुंचने वाला हूं सीधा मिलिट्री बेस के लिए। बाकी यार इस टाइम पर ना ट्रेवर और फ्रैंकलिन तो बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं, और इधर यार लेस्टर गिर गया। अभी मुझे क्या करना चाहिए, एक सेकंड यार, अभी ना फिलहाल उनको कुछ भी करके ना लेस्टर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यार इसने हम सब
सबकी जान बचाई है। तो लेस्टर जल्दी जल्दी करो भाई साहब, ये तो बेहोश हो गया। अगर अभी मैं इसको उठाकर अपनी बाइक पर रखूंगा बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रुक जाओ यार इस टाइम पर फ्रैंक, ओ तेरी इसने, एक सेकंड गाइस, अभी यार अगर मैं भाई बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। अभी फिलहाल लेस्टर को छोड़कर ही जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लग रहा है उसका बहुत ही गलत एक्सीडेंट हो चुका है। और अगर इस टाइम पर हम लोग लेस्टर को बचाने लगेंगे तो ये जो मतलब जितने भी स्टैचूज हैं सारे पुलिस वालों के पास चले जाएंगे और जो हमने इतनी मेहनत करी है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। और साथ ही जितनी भी फैमिलीज है भाई, माइकल की फैमिली, फ्रैंकलिन और ट्रेवर की फैमिली, भाई तीनों बहुत बुरी तरह फंस जाएंगी। तो यार अभी फिलहाल ट्रेवर को भी छोड़ना बेकार लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। एक तो यार ये दोनों इतनी ज़्यादा आ गए हैं ना भाई, मैं क्या बताऊँ, इनको ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत आगे निकल गए हैं। बट कोई नहीं, अभी जल्दी से मैं आगे निकलता हूँ भाई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार लेस्टर को बचा लें, बट यार एक बार ही चल कर देखते हैं, अगर वहाँ पर मामला शांत होगा तो बचा लेंगे। लेकिन यार बहुत ज़्यादा पुलिस है क्योंकि यार ये स्टैचू की चोरी है तो इतनी आसानी से यार ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मेरा मन तो नहीं कर रहा बट आगे जाने का। यार अब क्या करें, उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत देर से लड़ रहा था बट गोली पड़ गई। तो गाइस यार मुझे तो नहीं लगता कि यार लेस्टर बचने वाला है क्योंकि यार एक तो उसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, उसे बहुत ही बुरी तरह लग गई होगी, और अगर वो बच भी गया होगा ना तो मुझे तो नहीं लगता कि ये जो पुलिस वाले उसे छोड़ने वाले हैं। बाकी भी फिलहाल बहुत तेज बाइक भगाता भगाता यहाँ तो ले आया हूँ, लेकिन ये जो पुलिस वाले ना हाईवे पर रहूंगा तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी जल्दी से मैं निकल लेता हूँ सीधा जंगल वाली साइड पर, बाद में फ्रैंकलिन और ट्रेवर को कॉल कर पूछूंगा वो कहाँ पर है। अभी किसी का भी कुछ भी पता नहीं है, अभी बस अपनी अपनी जान बचानी है, वरना ये पुलिस वाले भैया इस बार तो नहीं छोड़ेंगे। ये पता नहीं यार क्या ही चीज़ थी, एंशियंट गोल्डन पैंथर स्टैचू, बट जो भी है अभी जल्दी से मेरे को यार छुपना पड़ेगा यहीं कहीं पर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी बाइक को भगाता भगाता इस माउंटेन पर लेकर आ चुका हूँ। यार मुझे तो मालूम भी नहीं है कि आखिरकार ये कौन सा माउंटेन है। और गाइस अभी ना फिलहाल बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो गया है, मुझे तो लग रहा था कि यार ये माउंट शिलाड है बट यार ये तो अलग ही माउंटेन है। और इस जगह पर गाइस यार मैं ना पहली बार आ रहा हूँ, बट यार कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना जल्दी से अपनी बाइक को हम लोग यहीं पर खड़ा करते हैं और अभी फटाफट से ना यार ट्रेवर और फ्रैंकलिन को कॉल करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा सीन हो चुका है, लेस्टर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और अभी फिलहाल वो पुलिस वालों के हवाले में ही है। हवाले छोड़ो अभी तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या फिर नहीं। वैसे यार देखो ये सब जो लेस्टर को मेरा बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं था, बट सीधी सी बात अगर मैं वहां पर रुकता और पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट कर लेते तो वो स्टैचू उनके पास चले जाते, फिर सीधी सी बात है माइकल की फैमिली, ट्रेवर की फैमिली और फ्रैंकलिन की फैमिली नहीं बच पाती, तो इसलिए ये करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी भी यार लेस्टर का पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूं ओनली 1 मिलियन लाइक्स और 5 लाख कमेंट्स के लिए, तो सभी लोग जाकर जल्दी से लाइक करके एक बढ़िया सा कमेंट कर दो और जो भी चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो आप लोग मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।